आइए हम लोग लास्ट क्लास में भी एक डिस्कशन किए थे और ये था, एकदम आराम से सुनते रहिएगा। लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने एक डिस्कशन किया था और वो डिस्कशन था कि कहीं ना कहीं हमें चाहिए फॉरेन करेंसी। क्या चाहिए, क्यों चाहिए फॉरेन करेंसी? क्योंकि अगर कल के डेट में हम कुछ इंडिया के बाहर से मंगाएंगे तो हमें क्या देना पड़ेगा, फॉरेन करेंसी। इसलिए हम चाहते कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व, और इसी को बोलते फॉरेन करेंसी का रिजर्व। तो फॉरेक्स का मतलब फॉरेन करेंसी, एंड फॉरेन करेंसी का मतलब एनी करेंसी अदर देन इंडियन करेंसी। तो हमें चाहिए था फॉरेन करेंसी और हम चाहते हैं कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा फॉरेक्स रहे। जब हमने ये प्रयास करना शुरू किया तो इसमें जो है वो बड़े सारे चीज हमें पढ़ने हैं जो इससे जुड़ा हुआ रहेगा, जिसके तहत सेज भी आता है, जिसके तहत ये फेमा भी आता है, जिसके तहत ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आता है, जिसके अंडर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आता है, और इसी का एक्सटेंडेड पार्ट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी है। तो ये पांचों कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है, तार जुड़ा हुआ है। लेकिन अभी जो तार मैं बताने जा रहा हूं, अभी जो आपको फेमा में बताने जा रहा हूं, ये टेक्निकल तार है। अगर इसे ठीक से समझ लिया तो फॉरेक्स से रिलेटेड कोई भी बात समझने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि किसी भी जगह हम रहेंगे, चाहे आपको ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पढ़ाता रहूं, चाहे आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पढ़ा रहा हूं, चाहे आपको फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पढ़ा रहा हूं, हर जगह इसमें जो बताने जा रहा हूं ये वर्ल्ड जो है वो हमला कर देगा। और वहां पे आपको थोड़ा सा अनकंफर्ट लगना शुरू होगा किस चीज को लेकर के, कि क्या बोला ये करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, क्या बोला करंट कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, क्या सर ने बोल दिया PRI PROI पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या है, क्या बोल रहे हैं। ये सारा जो है चीज आपका यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगा, और फेमा का जो बेस हम लोग आज बनाने जा रहे हैं इसके बेसिस पे डिपेंड करता है आप कितना पेन लेना चाहते हैं और कितना इस फील्ड में आना चाहते हैं, उस पर अपनी इमारत खड़ी करेंगे। वो इमारत खड़ी करने में टीचर मदद कर सकता है, लेकिन अभी जो आप पढ़ रहे हैं ये पिलर है, और जो भी इस क्लास को मिस करके अगले टॉपिक को करेंगे उनको कंफर्ट जोन नहीं मिलेगा। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा कि फेमा का कंप्लीट बेस आपको बता रहा हूं, अगर ध्यान से समझ लिया तो इसके बाद सिर्फ और सिर्फ जो है वो आप जितना मेहनत करेंगे रेगुलेशन का उतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे। लेकिन अभी जो कोर चीज बता रहा हूं आप चैलेंज कर लीजिए, किसी भी CS जो आपके बने हुए मिलेंगे, मैं कह रहा हूं क्वालिफाइड CS, उनसे भी ऐसे ही करके पूछिएगा कि इस चीज के बारे में थोड़ी क्लैरिटी दीजिए, वो भी गायब रहते हैं। रीजन ये है क्योंकि वो इस एरिया में ना प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अपने समय में उन्होंने बस चीजों को लर्न कर लिया, पढ़ लिया, समझा नहीं था उस चीज को। तो जरा इसको समझिएगा, और इसीलिए मैंने बोला कॉपी की जरूरत होगी, पोजिशन बताया जाएगा कि कैसे इसको करना है। तो पहले बात करते हैं जरा कि ये फेमा वर्ड आया कहां से, क्यों जरूरत पड़ी हमें इसकी। तो बहुत पुरानी बात है, लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर वाज अ किंग। 1947 में हमें आजादी मिली, ये तो सबको पता है। तो हम 1947 में जब आजाद हुए, तो जब तक जो है हम आजाद नहीं थे तब तक जो है वो बेसिकली जो है हमें जिस भी चीज की जरूरत होती थी उस चीज के लिए जो है हमारी डिपेंडेंसी थी अंग्रेजों के ऊपर। अगर उन्होंने मंगाया तो हमसे कम पैसे ले, ज्यादा पैसे ले, मार के दे, धुतकार करके दे, हमें मिल जाते थे, फाइन। हमारा तो कोई ज्यूरिडिक्शन ही नहीं था कि कहां से क्या मंगाए, क्योंकि हम तो उनके राज्य में ही थे। जब हमें आजादी मिली तब हमने जो है वो सोचना शुरू किया, और सोचना ये शुरू किया कि अगर हमें कोई भी चीज इंडिया के बाहर से मंगाना है, पहली बात मंगाना ही क्यों है, कहां मंगाना, इसीलिए है कि जो चीज अपने पास नहीं है वो क्या करना पड़ेगा, मंगाना पड़ेगा, और खास तौर पर अगर वो जरूरत की चीज हो। आज आप प्याज भी इंडिया के बाहर से मंगा रहे हैं ना, क्योंकि इस समय आपके पास कमी हो गई, स्कार्सिटी हो गई। तो अब जरा देखिए, आप ऐसा नहीं कि आप चीजों को इंडिया के बाहर नहीं भेजते हैं, लेकिन आप भी उस जगह चीजों को भेजते हैं जहां उन चीजों की कमी है, और आपके देश में भी वो चीज आता है जिसकी आपके देश में क्या है, कमी है। ये सिलसिला आज से पहले यानी 1947 में मुझे बताइए और ज्यादा होगा या नहीं, क्योंकि उस समय हम चाहे कहिए सर्विसेज हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो, चाहे फूड आइटम हो, उसके लिए भी जो है वो दूसरे पे क्या थे, डिपेंडेंट थे। अगर आप लोग इन चीजों के बारे में जानते हो, विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, वैसे आपके पास टाइम बहुत कम रहता है उन चीजों के बारे में जानने के लिए, क्योंकि थोड़ा GK का पार्ट है कि जिस समय इंदिरा गांधी हमारी जो है वो प्राइम मिनिस्टर थी, उस समय ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, हरित क्रांति नाम का चीज आया था,
और वो जो आया था वो बाय चॉइस नहीं आया था। कहते हैं ना, बेगर्स आर नॉट चूजर। उस समय हमारी मजबूरी थी और हमें जो है बड़े कड़े वर्ड बोले गए थे, बड़े खराब जो है अल्फाज बोले गए थे। तो कभी कभी कहते हैं ना, दाग अच्छे हैं, तो वैसे ही कभी कभी वो खराब अल्फाज जो है वो अच्छे होते हैं। बड़ी बेइज्जती की गई थी और इंडिया के पास जो है वो खाने के लिए गेहूं तक नहीं था। तो इन्हें जो है वो धमकी दिया और कहा गया कि अगर हम गेहूं भेजना बंद कर दे, यूएसए ने कहा, तो आपके देश में जो है वो अकाल आ जाएगा, भूखे मर जाओगे। लग गया इन्हें, ना इंडस्ट्री और खाली खेत पड़ा हुआ, और उसके बावजूद हमारे पास जो है, हम खेती प्रधान देश हैं, और तब हमारे पास इतना नहीं है कि हम अपने लोगों के लिए क्या कर सकें, अन्न उपजा सकें, तो क्या इससे बुरा चीज क्या होगा। अगर आज के डेट में जो है अरब कंट्री ऐसा नहीं कर रही, तो वहां समझ में आता है, उनके पास तेल है, उसको बेच करके हर चीज उनके पास पहुंच जाता है, और वहां की जमीन फर्टाइल, हमारी जमीन फर्टाइल, हर चीज है, लेकिन फिर क्यों नहीं हो रहा है? तो मैनेजमेंट, चीजों का स्ट्रक्चरल नहीं होना। तब वहां से जो है वो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, और आज जो आप देख रहे हैं, कोई भी चीज जो आप न्यूज में सुनते हैं, मैंने नहीं बोला क्यों FCRA आया, जो आप तक पहुंचाया जाता है वही आप सुनते हैं। इस तरह की चीज का जिक्र नहीं होता है, या बहुत पहले होकर के हो गया। ये कभी तब होगा जब कोई वैसे जो है वो टॉप क्लास के इकोनॉमिस्ट वगैरह होंगे, और वो अनबायस्ड होकर के किसी टीवी शो में आएंगे, जो ज्यादातर आपका जो है दूरदर्शन वगैरह पे आता है ज्ञान दर्शन और इन जगहों पे आते हैं। लेकिन आप वो कहां देखते हैं? आप तो, वो मौका भी लगा तो वैसा ही देखा जो नॉर्मल ज्यादा प्राइवेट वाले चल रहे होते हैं। तो उस समय जो है वो हमें जरूरत थी, तब हमने किया। यानी कि हमारी डिपेंडेंसी ऐसी थी कि हमें दूसरे देशों पर निर्भर करना था। हमारे यहाँ फॉरेक्स का इतना बुरा हाल था, जब हम WTO के मेंबर बने थे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को जब हमने साइन किया था, बाय चॉइस नहीं किया था, मजबूरी थी। मजबूरी वैसे ही जैसे आप मूवी वगैरह में देखते हैं कि मजबूरी है, बेटी की शादी करना है, बेटे को पढ़ाने के लिए भेजना है, तो अपना जमीन क्या करो, गिरवी, या साइन करो कि सारी उम्र यहाँ पे जो है वो गुलामी करते रहेंगे, यहीं पे काम करते रहेंगे, और बाद में जो कह रहा तो आप छोड़ के उन्हें देते हैं, और उसी में ट्रेजरी दिखला देते हैं कि तुम्हारे लिए ही तो ये किया और तुम ही ऐसे बोल रहे हो। तो वैसा ही ट्रेजरी खूब हुआ है हमारे देश में, हम ट्रेजरी किंग ही हैं, घरों में ट्रेजरी, देश में ट्रेजरी, जहां देखो ट्रेजरी ही ट्रेजरी। तो वैसा ही ट्रेजरी था हमारे पास, सिर्फ 2 सप्ताह का फॉरेक्स था, और वो भी मेडिसिन मंगाने का, और किसी चीज के लिए नहीं। क्या, किस चीज के लिए? जितना हमारे मेडिसिन का नीड होता था, वो मेडिसिन का नीड पूरा हो सकता था 2 सप्ताह में, तो हमें मजबूरी में उस पे साइन करना पड़ा कि ठीक है, हम दूसरे देश के लिए यहाँ पे व्यापार का मौका खोलते और हम बाहर। तब हमें लगा कि अगर हमारे पास फॉरेक्स होगा नहीं तो काम कैसे चलेगा। लेकिन सोच हमने लिया था 1947 में ही, सोचना शुरू किया। तो कहते हैं ना, छोटा बच्चा सोचेगा भी तो उतने ही दिमाग के साथ सोचेगा ना, लेकिन कम से कम इतनी बात तो थी कि दिमाग में आया कि अब जो है वो हम आजाद हैं, तो अपने सारे चीज का इंतजाम हमें क्या करना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा, सोचा हमने 1947 में। और इसी को ध्यान रख करके हमने फॉरेक्स कैसे बचाएं उसको लेकर के कानून बनाया, और वो कानून जो हमने बनाया उसमें फॉरेक्स जनरेट करना तो गया ही नहीं दिमाग, बस ये सोचा कि अगर कहीं से फॉरेक्स आ जाएगा तो उसको इधर उधर खर्च नहीं करेंगे। बिल्कुल वैसे ही जब आपके पास इनकम के सोर्स कम होते तो आप इतना ही देखते हैं कि जो आ गया है उसको किसी चीज में खर्च नहीं करेंगे, बचा के रखेंगे, इमरजेंसी वाले चीज में इस्तेमाल करेंगे। ऐसा ही होता है ना, आपके पास पानी का सोर्स नहीं तो कहेगा जितना पानी इसको बचा बचा के चलते हैं। कभी कभी आ जाता है कि आज वजीरापुर और ये पुल जो है वो बंद रहेगा, और छाग आ गया तो अमोनिया का लेवल बढ़ गया तो वो हो गया है, तो उस समय पानी आप जनरेट नहीं कर सकते, तो कहते जितना जो है वो टैंकी में पानी है उसको हिसाब से खर्च करेंगे, आज जो है वो नहीं नहाएंगे, आज मंत्र स्नान कर लेते हैं, जो कर लेते हैं जैसे भी हो। कहने का मतलब ये भी एक तरीका हुआ, लेकिन अच्छा तरीका ये नहीं है कि अगर हमारे पास बोरिंग रहे तो अगर जो है वो उधर का चीज बन तो इधर वाले से हम क्या कर लेंगे, जनरेट कर लेंगे पहले। लेकिन ऐसा थॉट नहीं आया। 1947 में हमने इसको इनिशियली क्या किया, स्टार्ट किया, और उस समय जो नाम था वो था फॉरेन एक्सचेंज, और यहां पे वर्ड एक्सचेंज था, मैनेजमेंट की जगह वर्ड क्या था, और सबसे पहले कहां आया, 1947 में आया। 10 साल के बाद हमने फिर इसमें इमीडिएटली जो है वो क्या किया, क्योंकि उस समय जल्दी जल्दी जरूरत थी चेंज करने की, क्योंकि डायरेक्शन ही नहीं पता था। फिर 1957 में ये चेंज हुआ, और सही का जो ये लेबल लिया, वो सही का लेबल जो है वो इसने लिया आपका जो है वो, सिर्फ अगर आप देखें
तो 19 कहां पे आकर के 73 में, उस समय भी नाम फेरा ही था। जब हम 73 तक पहुंच गए तो देखिए क्या था, जब इतने सोच के बाद पहुंचे तो हमने इसमें जो प्रोविजन बनाया था वो ड्रेकोनियन इन नेचर था। ड्रेकोनियन का मतलब होता है एकदम ऐसा जहां की सिविलाइज सोसाइटी ना हो। मतलब क्या मतलब है, अच्छा तुमने ऐसे क्या, मारो 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 मारो, और एकदम मार के एकदम तोड़ ताड़ दिया मुंह कान और बोला कि ऐसा किया था इसीलिए ऐसा किया, जैसे जो है वो आपके ISI या तालिबान वगैरह करते हैं। तो वैसा तरह का जो है वो क्या कर दिया, स्ट्रक्चर था। यानी ड्रेकोनियन इन नेचर का मतलब बड़े सख्त कानून, ऐसा सख्त कानून जो किसी सिविलाइज सोसाइटी में जो है वो नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूं आप जा रहे किसी से आप टकरा गए, आपने चलते वक्त ध्यान नहीं दिया और टकरा गए, मुझे बताइए गलत है या नहीं है? है तो, लेकिन अब उसके लिए कि गलत है तो सजा के तौर पे जो है वो उसे जो है वो सर पकड़ करके दीवार में 10 टक्कर मारे जाए, अब तुझे याद रहेगा कि चलते वक्त हमेशा क्या करना है, ध्यान रख करके चलना है। कहा नहीं, ये जो है वो ट्रीटमेंट सही नहीं है। और इसी चीज को लेकर के लगातार हम कोशिश करते रहे। 73 से हम पहुंचे कहां पे, 99 में। और हमने देखा कि फेरा जब हमारा था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, तो ये अपने आप में ये कहानी है, इसको ध्यान से सुनिएगा। इसके ये पार्ट आपको नहीं दिखेंगे, आपको जो पार्ट दिखेंगे वो हिस्ट्री दिखेगा, सब दिखेगा, सिर्फ ये स्लाइड नहीं दिखेगा, क्योंकि आपको फेमा पे पहुंचाना काम है, ध्यान से सुनिएगा। तो कहा कि उस समय ये क्रिमिनल लॉ था। कैसा लॉ था, क्रिमिनल लॉ। और क्रिमिनल लॉ का मतलब होता है कि उसमें हर केस में क्या है, इम्प्रिजमेंट का प्रोविजन है। वहां पे प्रिज्यूम कर लिया जाता था कि अगर फॉरेक्स से रिलेटेड कहीं कुछ क्या हुआ है, गड़बड़ हुआ है। अब क्या फॉरेक्स से रिलेटेड गड़बड़ होगा सब बताऊंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये आधे घंटे आप पे बहुत भारी है। ये अगर बहुत ध्यान से बिना दिमाग कहीं गए हुए अगर आपने सुन लिया तो समझ लीजिए कि फेरा का एक लेवल क्लियर, और पूरा 3 घंटा जब गुजर जाएगा तो समझिए आपका एकदम बेस जो है वो बन चुका रहेगा, किसका, फेमा को लेकर के, पूरे इस एक्ट को समझ चुके रहेंगे। तो अब जो है वो उस समय ये क्रिमिनल लॉ था, और इसमें कहा जाता था प्रिजम्पशन ऑफ मेंसरिया। इसके तहत जो ऑथोरिटी होते थे, आज भी उनका नाम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ही है, उस समय भी था, लेकिन इतने पावर उनको दिए हुए थे कि वो किसी भी पर्सन को बिना वारंट के, किस चीज के, बिना कुछ बताए हुए, बिना रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दिए हुए 45 दिन तक, कितने दिनों तक, 45 डेज तक, 45 दिनों तक डिटेन करके रख सकते थे। सारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर की ऐसी की तैसी की 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने करना है, वो दुनिया के सामने नहीं है 45 दिनों तक। कहीं पे जा रहे थे, बोरा फेंका गया, जैसे MCD वाले डॉगी पे फेंकते हैं, लपेटा गया, जीप में बिठाया गया और निकल गए। जीप ही हुआ करता था उस समय, वो वाला जीप नहीं जो अभी चल रहा है, सोफिस्टिकेटेड वाला वो नहीं, एकदम जीप जो कहीं कहीं दिखलाता है कभी जगह, तो उसमें बिठाया लेके गए और 45 दिनों तक राजकीय सम्मान दे सकते थे बिना कोई और परमिशन के। ये आलम था। क्यों ये आलम था, क्योंकि हमारा अप्रोच कैसा था, हमारा अप्रोच वैसा ही था जैसा हम जैसे ढीठ बच्चों के लिए पापा ने किया था। जब तक कुटाई वो करते नहीं थे तब तक हम पढ़ते ही नहीं, यानी अगर हमें पढ़ने के लिए बिठाना है तो उसके लिए कंपल्सन था, स्टार्टर के रूप में जो है वो 2-3 बजाने थे, वरना हम तो हिलते ही रहते थे। पता नहीं वो रणवीर सिंह का आत्मा था या क्या था, हिलते डुलते ही रहते थे। पापा बोलते थे अस्थिर तो रहो कभी, तो कहीं भी है तो हाँ बैठो पर निकले, हाँ कर रहा हूं ना, आता हूं ना, मतलब रुक जा आता हूं, ऐसे भी हो सकता है। कहने का मतलब बस ये है कि उस समय जो सिचुएशन था उसमें वो कहते थे कि अगर ऐसा कड़ा कानून नहीं बनाएंगे तो फॉरेक्स का क्या होगा, मिसयूज का, क्या मिसयूज होगा, तो लोग पैसे लेकर के घूमने चले जाएंगे, उसका यूज कर लेंगे। का अगर इंडिया से बाहर घूमने जाना चाहे तो क्या करेंगे, जेब में सिक्का भर भर के जाएंगे और जाकर के वहां पे निशाना लगा के पीटेंगे सबको। कहा नहीं, लेके तो जाना होगा फॉरेक्स ही, लेकिन कहा हमारे यहां तो कहते हैं ना, पहले खाने को नहीं तो लग्जरी के लिए पैसे कहां से आएंगे। तो इसीलिए कानून इतना ड्रेकोनियन, इसी को ड्रेकोनियन वर्ड बोलते हैं, एकदम राक्षसी प्रवृत्ति का, खतरनाक। तो वैसा ही जो है हमने जो है वो बनाया हुआ था। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी सिविलाइज होने लगा, आज के डेट में देखिए, कोर्ट पहले नहीं बोला था स्कूल को कि कॉर्पोरेट पनिशमेंट इज बैंड, मतलब बच्चों की पिटाई नहीं हो सकती। आज सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि आप जो है वो बच्चे की पिटाई नहीं कर सकते हैं, कोर्ट का गाइडलाइन। इसका मतलब कब, सिविलाइज की हो सोसाइटी हुआ तो।
अगर उस समय ये कोर्ट बोले रहते जिस समय हमारे दादाजी हुआ करते थे, तो शायद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी बता देते कि देखो कानून बनाने का क्या परिणाम होता है। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे जो है वो सोसाइटी जो है वो इंप्रूव होता है, उसी अकॉर्डिंग तो हम चीजों को बदलते जाते हैं। और आप देखिए हर समय के बाद सोफिस्टिकेशन लेवल, रहने का तरीका धीरे धीरे जो है वो इंप्रूव होने लगा या नहीं, तभी तो हम कहते हैं सिविलाइज सोसाइटी। अगर आप किसी को देखते हैं कि जाहिलों की तरह कर रहा है तो यही वर्ड यूज कर देते, जाहिल है, कोई सिविलाइजेशन नहीं है। ऐसे कहीं इंसान करता है, ये तरीका होता है, तो सोचिए जरा, ऐसे ही तो हम पहले चल रहे थे। तो जैसे जैसे चीज आगे बढ़ता गया, कहा गया कि सिविलाइज सोसाइटी में है, अगर कोई जो है कॉन्ट्रावेंशन हुआ है और खास तौर पे अगर पैसे का कोई गड़बड़ चीज है तो उसको उसी तरीके से निपटाया जाए। ये नहीं कि गड़बड़ किया तो हाथ काट दो, मुंडी काट दो, पैर तोड़ दो, ये नहीं होना चाहिए। फिर क्या किए गए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के पर थोड़े कतरे गए, यानी उनके पावर को थोड़ा क्या किया गया, कम किया गया। और यहां पे कहा गया कि ये जो है वो क्या है, सिविल लॉ रखा गया। यहां पे तब तक आपको इंप्रीजमेंट नहीं होगा जब तक आप फाइन पेनल्टी देने से मना ना करें। और कहा कि क्यों सबको हम इंप्रीजमेंट दे दे करके जेल में रखें, पैसे तो गवर्नमेंट के ही लगेंगे, उनको रखना, उनके लिए स्टाफ रखना, फिर उनको खिलाना पिलाना, और उसके बाद मानवाधिकार आयोग के उनको टीवी भी होना चाहिए, उनको न्यूज़पेपर भी होना चाहिए, कल के डेट में बोलेंगे उनको और कुछ होना चाहिए। कहा कि नहीं, उनके भी अपने अधिकार हैं, तो इतने अधिकार और बाकी चीज के कारण कहा कि नहीं, नहीं बढ़ाएंगे हम जेल का खर्चा। तो क्या करेंगे, कहा कि हम क्या करेंगे कि जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा पैसे का गड़बड़ के ना, पैसे की मार मारो, इससे हमारे पास रिवेन्यू भी आएगा। और अगर पैसे ना दे तो सिर्फ क्या करेंगे, इंप्रीजमेंट देंगे। सब बताऊंगा, सब आगे होने वाला है। अब उन्होंने कहा कि पहले ये क्रिमिनल लॉ था, अब ये क्या रहेगा, पहले हर केस में अगर आपको पकड़ा गया तो आप साबित कीजिए कि आप इनोसेंट है। जस्ट इमेजिन किस जमाने में हम थे, हमें साबित करना था कि मैंने कॉन्ट्रावेंशन, अब ऐसा कानून नहीं है। कहा गया कि अगर आपके ऊपर इल्जाम लगाया गया कि आपने फॉरेक्स में गड़बड़ घोटाला किया है, नलिफाइड हैज टू बी, आप ऑथोरिटी, आपने इल्जाम लगाया है ना, आप साबित करो। मैं क्यों, ऐसे तो राह चलते हो, किसी को भी मैं बोलूंगा कि इन्होंने मुझे परेशान किया, मैंने इल्जाम लगाया तो मैं साबित करूंगा, ये वो साबित करेंगे कि मैंने इन्हें परेशान नहीं किया। परेशान नहीं करना साबित कैसे कर पाएगा कोई, अगर कोई साबित कर सकता है तो यही साबित कर सकता है कि इसने मुझे क्या किया है, बताए कैसे परेशान किया, मेरे ऊपर पत्थर फेंका, मेरे ऊपर जो है वो ईंट फेंका, मुझे जो है वो तंग किया, खाने नहीं दिया, क्या किया जिससे आप क्या हुए, परेशान हुए, बताना पड़ेगा। ठीक, ऐसे यहां पे किया गया। और कहा गया कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को पावर तो दिए गए, आज भी काफी पावर है, तभी देखते हैं ना ईडी का समन केजरीवाल या किन्हीं को, जो जाते हैं वो पिंजरा जैसा है। मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट ने भी बेल खारिज कर दिया, संजय सिंह, अब अगली बारी इनकी, इनका भी जो है वो शुरू हो चुका है, नोटिस जा चुका है इनको आना है। कहने का मतलब बस इतना है कि पावर दिए हुए तो कुछ जगह पे क्या करना पड़ता है, पावर, अगर मैं कुछ करना चाहूं तो पहले मुझे भी क्या चाहिए रहेगा, पावर। मैं आपको कुछ बताने चाहूं, आपको क्या लगता है, अगर मेरे पास कुछ यहां पे पावर ना हो तो मैं कुछ भी कर लूंगा तो कोई भी सिस्टम को ठीक कर पाऊंगा, आपकी मदद तक भी नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए भी क्या चाहिए, सर्टेन पावर। बट इसका बैलेंस बना हुआ होना चाहिए कि इसका मिसयूज, और यही था ईडी के केस में, वहां पे एन नंबर ऑफ केसेस फाइल होते थे और अंत में कोई भी जो है वो आपका जो है वो डिसीजन नहीं आ पाता था। क्यों, आप जबरदस्ती पकड़ के कूटे जा रहे हैं, वो वही वाला चीज हो गया है कि जो है वो अमेरिका ने कहा कि एफबीआई जो है वो दो दिन में पता कर लेती कितना बड़ा से बड़ा क्राइम हुआ हो, तो दो दिन में हमें पता चल जाता है। यूके वाले ने बोला कि नहीं, हम दो दिन में तो नहीं, लेकिन हम 20 घंटे में क्या कर लेते हैं, पता कर लेते, अगर कहीं पे भी कोई क्राइम हुआ है तो हम पता लगा लेते इसके पीछे कौन था। इंडिया वाले से पूछा गया, बोला कि आपको कितना टाइम लगेगा, ये कहता है डिपेंड करना है कि कितने देर में करना है, किसी को पकड़ना है और उसे क्या बोलना है, कबूल कर। अब वो बंदे को टूटने में जितना टाइम लगे उतना ही टाइम हमें लगेगा ये पता करने में कि क्राइम किसने किया है, अब डिपेंड करता है वो कैसा बंदा है। तो ठीक वैसे ही जो है यहां पे कह रहे हैं कि ईडी को कुछ पावर दिए गए लेकिन कहा गया कि इसका क्या नहीं होना चाहिए, मिसयूज नहीं होना चाहिए। तब 1973 फेरा से हम किस दुनिया में आ गए, फेमा की दुनिया में आ गए, और वो जो रेगुलेशन वर्ड था वो किस में बदल गया,
कहा गया कि यहां एक मेजर बदलाव आया और कहा कि बहुत सिविलाइज तरीके से हम क्या करेंगे, प्रोसिक्यूशन करेंगे, एजुडिकेशन करेंगे और कहा गया हम रेगुलेट नहीं करेंगे। कहा क्या मतलब, कहा रेगुलेट करना जो है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट इन नेचर है, हम चीजों को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। रेगुलेट मींस ऑर्डरिंग इन नेचर, मैनेजिंग का मतलब मोटिवेटिंग इन नेचर है। तो कहा हम मैनेज करेंगे। कहा क्या, कहा कि फॉरेक्स को ही तो बचाना है, किस चीज के लिए, जरूरत के समय फॉरेक्स रहे, बचाना पर्पस नहीं है, हमारे जरूरत के लिए हमारे पास क्या रहे, फॉरेक्स रहे। तो कहते थे हमारे पास क्रिएट करने के साधन नहीं थे, तो इसलिए कहा जो आ रहा है उसको बचाओ। फेमा ने कहा नो, वी विल क्रिएट फॉरेक्स, और अब हम दांत से पकड़ करके फॉरेक्स नहीं बल्कि लोगों को मोटिवेट करो, कुछ ऐसा करो जिससे जो है वो खुद ब खुद फॉरेक्स का क्या हो, फ्लो हो, ताकि अगर कोई घूमने के लिए जा रहा, मैं फॉरेक्स कमा करके लाया, मान लीजिए यूएसए यूके में जो है सर्विस दिया, मेरे अकाउंट में डॉलर और पाउंड आए, और कल को अगर मैं घूमने के लिए जाना चाह, एग्जाम्पल है घूमने के लिए तो मैं इंडिया गेट भी नहीं गया हूं आज तक, लेकिन अगर मान लीजिए कि घूमने के लिए जाना चाह तो मुझे भी क्या चाहिए, डॉलर और पाउंड। गवर्नमेंट कहेगी नहीं, लाए बहुत अच्छा किए, वेरी गुड वेरी गुड, आई अप्रिशिएट दिस, लेकिन दूंगा नहीं, मैं बोलूंगा ऐसी की तैसी, कमाऊंगा ही नहीं, तब इससे अच्छा मैं क्या करूंगा, इंडिया में ही सर्विस ना दूं। क्यों मैं आपके लिए जो है वो फॉरेक्स लेकर के आऊं और मुझे जरूरत हो तो आप ना दे, तो मुझे बताइए आपको ये बुरा लगेगा या नहीं, आप में कोई मोटिवेशन फैक्टर रहेगा। तो इन्होंने कहा कि बिंदास जाओ, यूएसए जाओ, यूके जाओ, मॉरिशस जाओ, ओक्लाहोमा जाओ, टोरंटो जाओ, जहां घूमना है घूमो, सबके लिए जो जो करेंसी आपको मिलेगा कमाओ भी, लोगों को इनकरेज किया आप भी कमाओ, और अगर आपको घूमने जाना है तो हम आपको देंगे भी, यानी कि आप फॉरेक्स लाओ इसके लिए हम आपको मोटिवेट करेंगे और इसके लिए हम एवेन्यूज प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फॉरेक्स यूज करना है तो हम आपको यूज करने नहीं देंगे। हाँ, सर्टेन लेवल ऑफ रेगुलेशन जरूर रखेंगे जिससे जो है अकाउंटेबिलिटी बनी हुई रहे और हमारे पास शॉर्टेज ना आए। तब इन्होंने जो है वो मैनेजमेंट प्रोसेस स्टार्ट किया और इसी के तहत फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाया गया। ध्यान से सुनिएगा, चीजें कनेक्ट होगी जब उस समय जाएंगे। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जिसमें कहा गया कि ट्रेड पॉलिसी में कुछ ऐसा ऐसा पॉलिसी लाओ जिससे इंडिया से बाहर जो लोग एक्सपोर्ट करेंगे उनको मोटिवेशन दिखे, उनको कुछ बेनिफिट दिखे। देखिए देखिएगा, पढ़ाऊंगा कि कैसे जो है वो आपका ईपीसीजी स्कीम वगैरह लाया गया, जिसके तहत जब आप जो है वो एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के बाहर से कोई जो है वो गुड्स लाएंगे तो उस पर ड्यूटी एग्जम्पशन या ड्यूटी रेमिशन जैसा चीज रहता है, या आप कैपिटल चीज लाएंगे यानी प्लांट मशीनरी इंडिया के बाहर से ला रहे हैं ताकि उसके बेसिस पे उससे काम करेंगे तब तो वो क्वालिटी मेंटेन होगा, उस केस में देखिएगा कितने तरह के प्रोविजन, ये सब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में लिखा हुआ है। कहां पे, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में। और क्यों लेट पढ़ा रहा हूं, क्योंकि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 जो मैं वेट कर रहा था फाइनली हम लोगों ने सप्लीमेंट में डाल दिया है, 23 रहेगा, 22 तक भी नहीं रहेगा। इसीलिए मैं आपको बोला था कि कुछ चीजों को रोक करके इसीलिए चल रहा, क्योंकि हम लोग उस ग्रुप में है तो पता रहता है, और अभी भी जो है वो बहुत सारे जगहों पे मैंने देखा है कि टीचरों ने वही, क्योंकि स्टडी मैट में दिया है, स्टडी मैट को तो लोग मेन मानते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि स्टडी मैट के साथ गाइडलाइन आ गया है। अब अभी कुछ ही दिन पहले अपलोड किया है वेबसाइट पे और उसमें लिखा हुआ है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पिछला वाला नहीं रहेगा बल्कि नया रहेगा। तो जो स्टडी मैट में दिया, जो नया स्टडी मैट आपके सामने है, उसमें जो है उसमें पूरा चेंज, और एक पैसा वो रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एक पॉलिसी होता है जिसमें बड़े चेंज किए जाते हैं, 5 सालों के लिए पॉलिसी बनता है, तो आपको नया वाला ही करना रहेगा, घबराइएगा नहीं, नया ही हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आपका है, इसके तहत हमने कहा कि अलग अलग तरह से चीज सेज जो हमने बनाया, क्या ये एक तरह से फॉरेक्स लाने का तरीका नहीं है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रहे, फॉरेक्स आएगा या नहीं आएगा। हमने जो स्कीम बनाया इसके तहत ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंडिया से बाहर लोग बिजनेस करेंगे, कैसे करेंगे इसके लिए परमिशन वगैरह को लेकर के लिबरलाइज किया है चीजों को। तो बताइए इंडिया से बाहर जाके बिजनेस कीजिएगा तो फॉरेक्स आएगा या नहीं। इंडिया के बाहर वालों को बोला कि आइए हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कीजिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो वो जब आएंगे तो क्या करेंगे, 10-10 रुपए का नोट, 20-20 रुपए का नोट लेकर के आएंगे कि डॉलर पाउंड येन लेकर के आएंगे, आएगा या नहीं आएगा फॉरेक्स हमारे पास। तो अब हमने जो अप्रोच जो सोचा वो सुनिए क्या था, अप्रोच जो हमने सोचा वो कहा, इंस्टेड ऑफ रेगुलेटिंग
इंस्टेड की पैसे को दांत से पकड़े फॉरेक्स को, हमने कहा कि फॉरेक्स को जनरेट करने के लिए हम एवेन्यूज ढूंढे और फॉरेक्स को बस मैनेज करें, यानी उसके रिसोर्स करें, डेवलप करें उसे, और तब जाकर के फेमा 1999 आया, जिसने इस चीज के लिए कहा कि ये पिलर का काम करेगा, और अगर कहीं भी, एकदम ध्यान से सुनते जाइएगा, अगर कहीं पे भी फॉरेक्स से रिलेटेड कोई बात होगी, कहीं भी रुपीस के लिए भी ये वर्क करेगा, लेकिन अगर कहीं फॉरेक्स या इंडिया से बाहर पैसे लगाने की बात होगी तो फेमा कहता है मुझे कुछ कहना है। अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि किस काम में फॉरेक्स लगे नहीं लगाना है, ये लिस्ट में दूंगा। किस काम में फॉरेक्स के इस्तेमाल से पहले परमिशन, और किसमें जो है वो करने के बाद इंटीमेशन, और किसमें कुछ नहीं करना है, ये कौन बताएगा? फेमा बताएगा। तो फेमा से जब हमने पूछा कि बताओ कैसे करके बताओगे, तो फेमा ने कहा कि मैं पूरे ब्रह्मांड को, पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन को बस दो पार्ट में बांटूंगा। कितने पार्ट में? कहा क्या मतलब दो पार्ट का? कहा कि फॉरेक्स में इस्तेमाल करने वाले या इंडिया से बाहर बिजनेस करने वाले जितने भी प्रजाति होंगे, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, चाहे वो लिविंग हो चाहे क्या हो, नॉन लिविंग हो, चाहे वो जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन हो चाहे वो नेचुरल पर्सन हो, कहा मैं उस पूरे के पूरे सिविलाइजेशन को, कुछ मत पलटिए, एकदम ध्यान से सुनते रहिएगा, एकदम यहां पे डालिए, अब किसी भी तरह का कोई भी बंदा हो जो फॉरेक्स में डील करेगा, वो दो ही तरह का होगा, या तो उसका नाम होगा PRI, या उसका नाम क्या होगा, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया या पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड। बोल तो दिया इन्होंने, हमने भी सुन लिया, लेकिन मजा नहीं आया, तो डालेंगे चाट मसाला MDH का, स्वाद नहीं आया तो लगाते हैं स्वाद। कहा कि आपने अभी अभी बोला था कि फॉरेक्स का, नहीं देखा है वो एड, दुल्हन भी कह रही है कि शादी हो गया, सब हो गया, क्या हुआ? स्वाद नहीं आया, ना बारातियों को स्वाद आया ना दुल्हन को। तो फिर उन्होंने थोड़ा सा क्या कर दिया, चाट मसाला डाल दिया, कहते अब स्वाद आया। हाँ अब स्वाद आया, तो यही बोल तो दिया इन्होंने, लेकिन आपको क्या, मुझे भी स्वाद नहीं आया कि जितने भी तरह के लोग हैं वो या तो क्या होंगे, PRI होंगे, या क्या होंगे, PR। और उससे पहले स्टेटमेंट दिया कि अगर कोई फॉरेक्स में डील कर रहा है, तो कहा कि मैं पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन को दो पार्ट में बांटूंगा, तो मुझे बताइए एक कंपनी इंडिया से बाहर चीजों को भेज रही है क्या कहलाएगा? और एक्सपोर्ट अगर होगा तो फॉरेक्स होगा या नहीं इन्वॉल्व? अगर ये इन्वॉल्व होगा तो फेमा ने क्या बोला कि जो भी लोग फॉरेक्स में इन्वॉल्व होंगे उसको उन्होंने दो ही पार्ट में बांटा है, या तो PRI या, इसका मतलब ये जो कंपनी एक्सपोर्ट की है ये क्या होगी इनके अकॉर्डिंग? नहीं, ये नहीं पता, या तो PRI होगी, या अगर कोई इंडिविजुअल है वो इंडिविजुअल इंडिया से बाहर घूमने के लिए फॉरेक्स लेकर के जा रहा है, किया ना फॉरेक्स का इस्तेमाल, अब ये या तो क्या होगा PRI होगा, या क्या होगा PROI होगा, एक पार्टनरशिप फर्म है वो अपनी सर्विसेज इंडिया से बाहर दे रहे हैं, तो ऐसे केस में उनके पास फॉरेक्स आएगा या नहीं? तो ये पार्टनरशिप फर्म या तो PRI होगा या क्या होगा PROI होगा। इसका मतलब देखिए, चाहे सजीव हो चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, चाहे आर्टिफिशियल पर्सन हो चाहे नेचुरल पर्सन हो, सारे के सारे लोग जो है वो फॉरेक्स में जो डील कर रहे हैं वो क्या होंगे, या तो PRI होंगे या क्या होंगे। सबसे पहला चीज, फेमा ने किसको PRI कहा, किसको PROI कहा? आप कहिएगा सर इससे होगा क्या, क्योंकि उन्होंने बताया है कि अगर आप PRI हैं तो ये कर सकते हैं, अगर आप PROI हैं तो ये कर सकते हैं, अगर आप PROI हैं तो ये नहीं कर सकते। पहले पता तो हो ये PRI क्या है और PROI क्या है, ताकि हमारे लिए क्या रेस्ट्रिक्टेड है और क्या अलॉड है ये हमें क्या हो पता चले। तो अब इन्होंने कहा कि जितने भी तरह के क्या है, जितने भी तरह के बॉडी हैं, इंटिटी हैं, चाहे वो नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, अगर कहीं वो फॉरेक्स इंडिया से बाहर किसी भी तरह के बिजनेस से रिलेटेड एस्पेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं, तो या तो वो PRI होंगे या क्या होगा। ये किसने बोला? मैंने नहीं बोला, बस जुबान मेरे हैं और कुछ नहीं, शब्द सारे के सारे फेमा के। उन्होंने बोला कि या तो उसे क्या बोलेंगे। अब हमारे पास अगला चैलेंज आया, और वो अगला चैलेंज आया कि मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दिया, एक इंडिविजुअल इंडिया से बाहर जाकर के जो है वो जो है इंडिया से बाहर घूमने जा रहा है, तो भी फॉरेक्स इन्वॉल्व है।
एक इंडिविजुअल इंडिया से बाहर कंसल्टेंसी दे रहा है, फॉरेक्स आ रहे हैं तब भी तो फॉरेक्स इन्वॉल्व है। एक इंडिविजुअल कहता है मैं इंडिया से बाहर जाकर के जो है वो मकान लूंगा, पॉसिबल हाँ या ना? यहां नहीं रहूंगा, जाऊंगा मैं यूएसए में रहूंगा, तो यूएसए में मकान लेगा, फॉरेक्स चाहिए। इंडिविजुअल है वो कहता है कि नहीं मैं यहां वाला क्रीम नहीं लगूंगा, मैं फियामा डिविल्स ही लगाऊंगा और वो भी ठीक वहीं का जनरेट किया, वहीं से डायरेक्ट मंगाऊंगा तब तोपूंगा, फॉरेक्स लगेगा या नहीं लगेगा? अगर ऐसा कोई भी चीज देख रहा, आप कह रहे फोन मंगाएंगे, बुक मंगाएंगे, इतना तो छोड़िए, आप कहते फूड तक मंगाएंगे डायरेक्टली केएफसी के वहां वाले किचन से, यहां वाले किचन से नहीं मंगा सकते, ये सब फैसिलिटी है, मतलब मुझे जानकारी है, बाकी गरीब आदमी हूं आपको पता है, बस जानकारी है क्योंकि आप तक बताना रहता है तो इकट्ठा कर करके ही किया, तो डायरेक्ट वहां के किचन से तो वो भी आप मंगा सकते हैं। जो मोबाइल आप यहां पे यूज करते हैं अगर आप सीधे वहां वाला मंगाएंगे उसके फीचर में बहुत अंतर आपको दिखेंगे, अलग अलग होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं, लैपटॉप भी जो होता है अलग अलग सॉकेट जैक बड़े सारे चीज, बैटरी लाइफ बैकअप बहुत तरह की चीजें, तो आपको क्या चाहिए फिर? फॉरेक्स चाहिए। इसका मतलब देखिए, अगर आप इंडिविजुअल है तो इतने काम के लिए फॉरेक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कंपनी भी रॉ मटेरियल इंडिया के बाहर से मंगा रही है, देगी ना फॉरेक्स, बना करके सामान बाहर बेची, आएगा ना फॉरेक्स। तो कह रहे कि इतने सारे एंटिटी में इंडिविजुअल हो गया, एक आपका अदर एंटिटी हो गया, तो इन सबके बारे में बताओ ना कि कौन पीआरआई होगा और कौन क्या होगा। और उससे भी खतरनाक बात, ये एक ऐसा सिचुएशन है कि कहा गया कि जिस समय आप डील कर रहे हैं उस समय फेमा के कंप्लायंस आपके ऊपर लगेंगे या नहीं लगेंगे, और ये कौन सा वाला लगेगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम में आप पीआरआई हैं या क्या हैं। यानी कि क्या अलग अलग समय में एक बंदा पीआरआई से पीआरओआई और पीआरओआई से पीआरआई हो सकता है? कहा हाँ जी ऐसे चमत्कार होंगे। तो कहा कि ऐसे चमत्कार के लिए क्या करें? कहा कुछ नहीं, पढ़ लेंगे कि कौन कौन सा इंडिविजुअल कब पीआरआई कहलाएगा और कब कहलाएगा पीआरओआई, फिर वैसे ही देख लेंगे कि कंपनी कब पीआरआई कहलाएगी या कोई भी एंटिटी कब पीआरआई कहलाएगी और कब। तो एक तरफ हमने रख दिया इंडिविजुअल को और दूसरी तरफ रख दिया हमने एंटिटी को, एक तरफ इंडिविजुअल और एक तरफ एंटिटी को रख दिया, और कहा कि अगर कोई इंडिविजुअल है और कहीं पे कोई आपसे कंसल्टेंसी के लिए आएगा कि बताइए हम एक दिन उतने पैसे लेके गए थे, फिर हम वहां से आ गए, ये कर लिया, अब हमारे ऊपर क्या एप्लीकेबल होगा, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि वो पर्सन क्या है, पीआरआई है या, उसके बाद ही अगला जो है वो चीज आगे जो है वो क्या होगा, शुरू होगा। ऐसे ही कोई कंपनी का मामला आप तक पहुंचा, पहले डिटरमाइन तो कीजिए कि वो कंपनी पीआरआई है या पीआर। आप कहिएगा सर ये इतना बड़ा चीज है जो आप बोल रहे हैं कि डिटरमाइन करना इतना टफ है, तो मैं आपको बता दूं आपके कंसल्टेंसी देते वक्त में 90% केस इसी बात से तय हो जाएगा कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या गलत। और देखिएगा ये इतना अजीबोगरीब चीज है, हालांकि आपके में जो है वो इतना नहीं दिया, लिख तो दिया है इंडिविजुअल कब पीआरआई होगा और कब क्या होगा, पीआरआई होगा, बस उतना लिख दिया और आप किसी लेवल का वो क्वेश्चन दे सकते हैं। इसमें अगर क्वेश्चन देने लगे ना तो बंदे से यही डिटरमाइन नहीं होगा कि वो पीआरआई है या पीआरओआई। देखिएगा अभी हम लोग बात भी करेंगे कि उसका अगर तरीका सही से नहीं ढूंढा तो पता ही नहीं चल पाता ये पीआर है या पीआरओआई। तो पहला स्टेप इन्होंने बोला कि फेमा कहता है कि जो भी फॉरेक्स में डील करेगा, जो उसके ऊपर भी फेमा के कोई भी एस्पेक्ट लगेंगे, वो या तो पीआरआई होगा या क्या होगा। इसका मतलब हम देख लेंगे कि इंडिविजुअल पीआरआई कब होगा और पीआरओआई कब होगा और एंटिटी कब होगा। कहा अगली बात करो, अब कहा कि ये या तो पीआरआई होंगे या क्या होंगे, और ये जिस काम के लिए, ध्यान से, ये जिस काम के लिए फॉरेक्स को इन्वॉल्व करेंगे उस काम को इन्होंने सिर्फ दो पार्ट में बांटा कि जिस काम के लिए ये पैसे का इस्तेमाल करेंगे वो काम को हमने दो कैटेगरी में बांटा। एक काम को बोला कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन और एक को बोला ट्रांजेक्शन इज वर्क। जैसे अगर कोई इंडिविजुअल घूमने के लिए पैसा लेकर के इंडिया से बाहर गया है तो ये जो पैसा लेकर के गया है काम क्या है, इंडिया से बाहर घूमने जाना, इसके लिए जो इन्होंने पैसा लिया है, ये जो पैसा लेंगे इसको या तो इस काम के लिए जो पैसा लिया फॉरेक्स लिया इसको या तो इसको बोलेंगे कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन या क्या बोलेंगे। एक इंडिया का बंदा वो यूएसए में मकान खरीदेगा इसके लिए फॉरेक्स लिया, काम बदल गया। कहा अब ये जो चीज या तो कैपिटल अकाउंट होगा या
आपको नहीं पता अभी कौन सा कैपिटल और कौन सा करंट होगा, लेकिन बोला इसी दोनों में से कोई होगा, और तीसरा कोई प्रजाति। आप इंडिया से बाहर पैसे खर्च कर आप कह रहे कि मैं यहां वाला लक्स नहीं, मैं इंटरनेशनल लक्स लगा के चमकूंगा, सिंथॉल वहां वाला लगाऊंगा, और आते भी हैं। अगर ऐसा किया उसके लिए आपने पैसे लिए इस काम के लिए, तो भी या तो ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन होगा या क्या होगा, इंडिया से बाहर पढ़ाई के लिए जाना है, एडमिशन के लिए फॉरेक्स लेकर के जा रहे हैं, तो भी ये काम को जो है वो क्या बोलेंगे। इसका मतलब काम के दो नाम, या तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन या, और काम को करने वाले के भी जो है वो दो ही नाम, या तो PRI या PROI। और कहा कि ये PRI हैं या PROI हैं, ये जो करेंगे या तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन होगा या क्या होगा, लेकिन दोनों ही केस में फॉरेक्स का इस्तेमाल होगा। और अगर होगा तो ये फॉरेक्स अगल बगल जाते हुए से नहीं ले लेंगे, जैसे किसी से ले लेंगे कि मुझे जो है वो 100 रुपया दोगे, ऐसे करके आप अलॉड नहीं है किसी से फॉरेक्स लेने के लिए। अगर किसी से लेंगे तो वो सिर्फ एक शख्स होगा और उसका नाम होगा क्या, ऑथराइज्ड पर्सन। बस यही 5 मेन स्तंभ हैं, 5 पिलर्स हैं। इन 5 पिलर्स को समझ लेने के बाद जितने भी चीज है वो रेगुलेशन है। क्या है? रेगुलेशन। अगर आपने कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट समझ लिया तो उसमें लिस्ट दिया हुआ है कि कौन कौन सा चीज कहलाएगा कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन और कौन कौन सा क्या कहलाएगा। और अब अगर मान लीजिए इंडिया से बाहर प्रॉपर्टी लेना, एज्यूम कर लेते हैं अगर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है, तो अगला सीक्वेंस है रूल रेगुलेशन का कि ये दिया हुआ है कि अगर इंडिया से बाहर कोई जो है वो प्रॉपर्टी एक्वायर करना चाहता है और वो अगर इंडिविजुअल है तो किस केस में स्पेशल परमिशन लेगा, यानी प्रायर परमिशन लेगा, और कब उसे परमिशन की जरूरत। अगर कोई कंपनी ऑफिस एस्टैब्लिश करने के लिए ले रहा है तो क्या कंप्लायंसेस होंगे, और ये कंप्लायंसेस कहीं भी एक्ट में नहीं दिया हुआ है, ये इस एक्ट के रूल और किस में दिया हुआ है, रेगुलेशन में दिया हुआ है। फेमा बहुत 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 छोटा सा जो है वो क्या है, बहुत छोटा सा एक्ट है, और इस छोटे से एक्ट में सिर्फ सेक्शन कितने हैं। आप कहिएगा सर एक एक सेक्शन रट लेंगे, आप जो बोलते हो इसमें कर बहुत पैसा मिलता है, तो यहां कंपनी लॉ में जो है वो हम हंड्रेड्स में जा रहे हैं, यहां पे तो डबल डिजिट में है, 50 भी नहीं टच हुआ। क्या है उसमें से 49 पहला प्रीएम्बल में भी जाएगा, दूसरा डेफिनेशन में प्रोविजन रहेंगे कितने, 47 ही हो गए। तो इतने उसमें बहुत सारे तो फिर फाइन पेनल्टी के होंगे, तो ये तो बहुत कम दिखता है। अगर इसी से है तो सब कुछ छोड़ दिया, जा रहा हूं सिर्फ फेमस सेक्शन पढ़ लूंगा। कहा कि नहीं, इसमें सेक्शन सही में बहुत कम है, लेकिन इसमें रूल रेगुलेशन हंड्रेड्स नंबर, बहुत सारे रूल रेगुलेशन। अब वो रूल रेगुलेशन किस चीज के हैं, कि सेक्शन आपको बस ये बता देगा कि कौन है PRI, कौन है क्या है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या है, क्या है ऑथराइज पर्सन, बेस बना दिया। लेकिन ये जो रूल रेगुलेशन है ये क्या हुआ, ये रूल रेगुलेशन समझिए कि फेमा जो है वो आपका ढलाई हो गया, ढलाई समझते हैं, सीलिंग पड़ गया और कुछ नहीं, सीलिंग पड़ गया है, पिलर गर गए हैं। अब उसके बाद कोई बंदा आएगा, वो इस पे जो है वो पुट्टी करेगा, प्लास्टर होगा, पुट्टी होगा, डिस्टेम्पर होगा, कोई आएगा बोलेगा यहां पे इस तरह के लाइटिंग लगेंगे, इस तरह का जो फॉल्स सीलिंग होगा, तो इस तरह का ये होगा। यही है इसके क्या, रूल और रेगुलेशन, जो एन नंबर है। जितना कहते हैं आप गुड़ डालते जाइए उतना मीठा होता जाएगा, मतलब जितने रूल रेगुलेशन पे आपका कमांड होगा उतने आप फेमा में क्या कहलाएंगे, एक्सपर्ट। लेकिन कितना भी घर को सजाना चाहेंगे, पहले जो है वो आप जो है स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे या नहीं, और इस स्ट्रक्चर के बाद कुछ लोग जो है वो सिंपल सा जो है वो प्लास्टर किया, उस पे पुट्टी किया, पेंट किया, रहना शुरू, कुछ उसमें तरह तरह के, यहाँ पे ये वाला लाइटिंग, यहाँ पे ये, यहाँ पे LED, यहाँ पे जो है वो आपका जो लकड़ी का काम होगा तो यहाँ पे उसका काम होगा। अब इसका कोई अंत है? अब वो जितना ज्यादा करते जाएगा घर उतना क्या दिखता जाएगा, सुंदर और ब्यूटीफुल दिखता जाएगा। बस यही चीज है आपका रूल रेगुलेशन। तो यहां पे सेक्शन तो बस 49 ही है, लेकिन यहां पे जो है वो ढेर सारे क्या है, रूल्स है। जो CG बनाएगी वो आपका जो है वो रूल्स हो गया, जो उसके गवर्निंग बॉडी RBI वगैरह बनाती है वो क्या कहलाता है, रेगुलेशन। और एन नंबर ऑफ, देखिए, रेगुलेशन मेड अंडर फेमा, ये सब नाम है बस बताने के लिए, ये सब आपको पढ़ने नहीं है।
इतना नहीं पढ़ना है, कुछ इसमें से पढ़ना रहेगा। तो ये जो है वो रेगुलेशन का क्या है, लिस्ट है। इतना ही नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट मैंने दे दिया जो आपके स्टडी मैट में था। अदरवाइज इसके आगे और पीछे भी बहुत सारा दुनिया है। तो अब हमने इतना बस देख लिया है, और वो क्या देखा है कि फेमा की शुरुआत हुई थी फेरा से, और फेरा से हम कहां पहुंचे, फेमा में। और हमें पढ़ना फेरा है या फेमा, फेमा पढ़ना है। तो अब हम पहुंचे उस जगह जो चीज हमें पढ़ना है, तो ये है फेमा जो हमें पढ़ना है। और हमने कहा कि फेमा ने जो है वो पूरे सिविलाइजेशन को कितने पार्ट में बांटा। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इंडिविजुअल पीआरआई है या, और इंडिविजुअल के अलावा जो अदर एंटिटी है, चाहे वो कंपनी हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे वो कोई भी बॉडी हो, जो कि कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। तो नेचुरल पर्सन में इंडिविजुअल हो गए, ये कब पीआरआई और अब क्या कहलाएंगे। और दूसरा कोई चीज जो है वो कब पीआरआई और पीआर, क्योंकि इन्होंने कहा कि जो भी फॉरेक्स में डील करेगा पहले यही डिटरमाइन करना है। और कौन सा ट्रांजेक्शन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन और कौन सा, उन दोनों चीजों को समझने के बाद जानेंगे कि पीआरआई कौन सा कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कर सकता है और पीआरवाई कौन सा कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कर सकता है। यानी कि पीआरआई और पीआरआई कौन सा ट्रांजेक्शन कैपिटल अकाउंट का कर सकता है, और कौन सा, ऐसे ही पीआरवाई और पीआरआई करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन का कौन सा ट्रांजेक्शन, यानी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन भी समझना है और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन भी। और तब इन्हीं कामों के लिए जो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में आते हैं, जो इनमें से नहीं आते हैं का बस इसी में उन्होंने बंटवारा किया है, उसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं, करना ही नहीं है। तो कहा कि वैसे जितने भी तरह के ट्रांजेक्शन है उसको या तो कैपिटल बोला या क्या बोला, और इसके लिए जो फॉरेक्स का इस्तेमाल करेंगे वो फॉरेक्स कहां से लेंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज पर्सन से, हमसे और आपसे मांग करके नहीं लेंगे। इसी में आगे आपको बताऊंगा कि ऑथराइज पर्सन का सेंस अगर आपने गलत, तभी तो इसमें जो बहुत सारा आपका जो है वो हवाला पैडलिंग और ये सब क्या है, फेमा के तहत ही तो सब पकड़े जाते हैं। जो ऑथराइज नहीं है वो आपस में जो है वो रुपीज देते हैं, बदले में डॉलर ले लेते हैं, गवर्नमेंट के पास इसका एक हिस्सा जाता है। जब आप फॉरेन को क्या करते हैं, फॉरेक्स को एक्सचेंज करते हैं, जब आप इसको चेंज करते हैं तो आपको एक कमीशन देना पड़ता है। वही कमीशन किसका पार्ट है, इंडिया का, जिससे हमारा इकोनॉमी ग्रो करता है। तो अब हम एक एक करके समझेंगे, और सबसे पहले क्या समझेंगे, पीआरआई और पीआरओआई। हमने कहा कि बता दो पीआरआई, कहा कि एक एक करके ही तो बताऊंगा, इंडिविजुअल पहले बताता हूं। तो हमने कहा ठीक है फेमा को बताओ भाई कि कौन सा इंडिविजुअल पीआरआई कहलाएगा और कौन सा इंडिविजुअल पीआरओआई कहलाएगा, क्या कंडीशन है, क्योंकि जब आप फेमा अप्लाई करेंगे उस समय चेक करना है, और ये फिक्स नहीं है, ये कंडीशन क्या हो सकता है, ये आपका सिचुएशन क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, पीआरआई कभी पीआरओआई और पीआरओआई कभी। तो हमने बोला ठीक है भाई, बहुत बोल दिया, अब बता तो दो कि कब हम इंडिविजुअल को पीआरआई कहेंगे और कब क्या कहेंगे। तो उसने फिर भाव दिखलाना शुरू किया और बोला मैं ये नहीं बताऊंगा कि किस इंडिविजुअल को पीआरओआई कहेंगे। तो बोला फिर क्या बताओगे, बोला मैं बस ये बताऊंगा कि कौन सा इंडिविजुअल क्या कहलाएगा। तो फिर मैंने बोला ठीक है भाई, एक मंच दिया, मंचिंग की उसने, और फिर बोला चलो बता देता हूं कि कौन सा इंडिविजुअल क्या कहलाएगा, पीआरआई। लेकिन बोला मैं ये नहीं बताऊंगा कौन सा इंडिविजुअल क्या कहलाएगा। हमने कहा बहुत अच्छा है, हमें ये आपने बता दिया कि कौन सा इंडिविजुअल क्या कहलाएगा, तो जो इंडिविजुअल पीआरआई नहीं है वो क्या कहलाएंगे। हमने कहा चलो हमारा काम तो निकल गया और अच्छा है, दो डेफिनेशन नहीं पढ़ने पड़ेंगे, एक ही से हमारा क्या हो जाएगा, वरना आप पीआरआई के लिए ये बोलते और पीआरओआई के लिए ये बोलते। तो अब हम सबसे पहले जो जानने जा रहे हैं वो क्या है कि कौन सा इंडिविजुअल क्या कहलाएगा। और उससे पहले एक बार दोबारा हम लोग बात करें, फेमा का कॉन्सेप्ट इसलिए आया ताकि हम फॉरेक्स ज्यादा से ज्यादा मैनेज कर सके, जनरेट कर सके, रेगुलेट तीनों चीज कर सके। तो फेमा ने कहा कि जितने भी तरह के लोग फॉरेक्स में डील करेंगे, या तो वो पीआरआई होंगे चाहे वो पीआरवाई, और जिन कामों के लिए फॉरेक्स का इस्तेमाल करेंगे या तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के कैटेगरी में आएगा या करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन कैटेगरी में, और उसके लिए फॉरेक्स सिर्फ और सिर्फ किससे जाकर के लेंगे, ऑथराइज पर्सन से लेंगे, करेंगे बात किसको ऑथराइज पर्सन कहते हैं। और तब हमने कहा कि जो अलॉड है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, जो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन अलॉड है वो करेंगे कैसे, तो इसके लिए जो है वो सैकड़ों की संख्या में क्या है हमारे पास, रूल रेगुलेशन है, जिसमें उसका कंप्लीट प्रोसीजर क्या किया हुआ है, बताया हुआ है। तो ये जब आपका तैयार हो जाएगा तो आने वाले दिनों में, क्योंकि आपके में रूल रेगुलेशन कम है, गिने चुने 5-7-8 दिए हुए हैं, इतना ही है, अनगिनत है,
तो अब आप जिस दिन जो नया रेगुलेशन पढ़ेंगे, ये बेस बने रहने के बाद जो भी रेगुलेशन पढ़िए वो क्या हो जाएगा, बन जाएगा। आज ये हटा करके पीवीसी लगाना है, पीवीसी ये हटा करके वुडन लगाना है, इटालियन वुड लेमिनेट करना है फ्लोर को। एक बड़ा अच्छा एड आता था, ये बस दिखती ही अच्छा है या है भी अच्छा, तो ऐसे ही करके मुझे भी इससे प्यार कर लेना चाहिए। देखा है वो एड, कुछ इटालियन फ्लोरिंग का एड आता है, उस चेहरा किसी का नहीं दिखलाएगा उसमें, बस पैर दिखलाता रहेगा कि लोग चल रहे, बड़ा स्मूथ सा लग रहा है ये है, और वुडन फ्लोरिंग है, भूल रहा हूं वो क्या नाम था, एक्सेंटेसा ही लैमिनेट था या कुछ और, एनीवे वो नहीं पूछेगा, वो ऐसे ही मैं बात कर रहा था। तो चलिए हम कहां से शुरू कर रहे हैं, कौन सा इंडिविजुअल क्या कहलाएगा, एंड दिस इज हाईली टेक्निकल। टेक्निकल का मतलब है बस इतना सा जो है वो आप कॉन्सेंट्रेशन इधर उधर मत डालिए, जीवन में कभी नहीं भूलिएगा, और अगर इतना सा भी कॉन्सेंट्रेशन इधर उधर गया तो जीवन में कभी ये ध्यान नहीं रहने वाला है, और हर समय फिर आपको रटना पड़ेगा कौन जो है वो PRI है और कौन PROI है। तो सबसे पहले PRI इंडिविजुअल, तो कहा कि इसमें जो है वो बड़ा स्टेप वाइज प्रोसेस है। अगर हमें तय करना है, ध्यान से सुनिएगा, कि कोई इंडिविजुअल PRI है या नहीं है, तो ये आपको करना पड़ेगा दो तरीके से, पहला पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, क्या वर्ड मैंने बोला, और पीरियड ऑफ टाइम, उस साल उस बंदे का जो है वो स्टेटस PRI का है या PROI का है, PRI का है या नहीं, ये एक क्वेश्चन। उस पर्टिकुलर डेट को, उस पर्टिकुलर टाइम को, उतने बजे उसका स्टेटस क्या था, ये दो यहां एस्पेक्ट हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए पहले कि इस फाइनेंशियल ईयर में इस बंदे का स्टेटस PRI का है या PROI का है, तो आपको देखना पड़ेगा कि वो PRI है या नहीं। अगर वो PRI नहीं है तो इसका मतलब क्या है, और PRI होने के लिए सबसे पहले जब आपको कहा जाए कि बताइए कि इस फाइनेंशियल ईयर में, बहुत ध्यान से आप सुन रहे हैं, प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा और एकदम यहां फोकस अभी कीजिए। सबसे पहला काम है, पहला स्टेप है, अगर आपसे पूछा गया और दे दिया कि इस फाइनेंशियल ईयर में बताइए ये PRI है या नहीं है, आप कुछ ना करें, आपके पास फाइनेंशियल ईयर तो दिया ही हुआ है, आप फटाक से उसका निकाल लें प्रीवियस ईयर, निकाल पाएंगे, क्योंकि ये बहुत टफ काम है, एक माइनस करना पड़ता है तब आप पहुंचते हैं किस ईयर पे, प्रीवियस ईयर पे। अगर मैं पूछूं कि इस समय कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, छोड़िए फेमा कुछ और पढ़ लेते हैं, अभी मैं कह रहा था टेक्निकल और टेक्निकलिटी पढ़ाऊंगा, कौन सा फाइनेंशियल ईयर। अगर माना कि हमने जो है वो 23-24 फाइनेंशियल ईयर, अगर ये फाइनेंशियल हुआ तो इसके लिए प्रीवियस ईयर में क्या करेंगे, दोनों जगह से एक एक जाएगा, तो 2022 और 2000। अब इसका मतलब हुआ, इस प्रीवियस ईयर का मतलब हुआ, जैसे समझा रहा हूं आपको लगेगा कि ये तो बहुत छोटा वाला चीज है, और बार बार पहले ही वार्निंग कर दे रहा हूं, आगे जाएंगे लुढ़ाकी खाएंगे, इसीलिए जो है वो क्या करें, ध्यान से समझिएगा। प्रीवियस ईयर का मतलब हुआ 1/4/2022 से लेकर के 31 मार्च 2000, यही समय क्या कहलाएगा, प्रीवियस ईयर। और जब फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं तो भी यही चीज है, 1/4/2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक। अगर पूछा जाए कि इस फाइनेंशियल ईयर में 2023-24 के अकॉर्डिंग ये बंदा PRI है या PROI है, तो आपको पहला काम क्या करना है, फाइनेंशियल ईयर लिख लिया, फटाक से अगला चीज क्या लिख लीजिए, लिख लिया, लिखने के बाद उस पर थोड़ा काम भी कर लेंगे, और काम क्या करना रहेगा, उस प्रीवियस ईयर में आपको कैलकुलेट करना है कि वो इंडिया में कितने दिन रहा है, क्या कैलकुलेट करना है, इंडिया में कितने दिन रहा है, और यहां पे जो डेट की शुरुआत होगी वो कहां से होगी, प्रीवियस ईयर की, जैसे शुरुआत होती है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। तो आपको देखना है कि 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 के बीच में वो इंडिया में कितने दिन रहा है, ये हो गया आपका पहला स्टेप, निकाल लिया। अगर ये दिन जो है वो 182 डेज से ज्यादा नहीं होता है, मुझे लिखना रहता तो मैं इसको लिखता कि मिनिमम 183 डेज,
लेकिन लॉ बनाने वाले को अपनी भी तो संपत्ति दिखलानी है। उन्होंने क्या लिखा है, मोर देन कितना, 182 डेज। इसका मतलब तो ये हुआ ना, मिनिमम कितने दिन, याद रखिएगा 182 डेज से ज्यादा, 182 है तो नहीं हुआ, 182 से क्या होना चाहिए। तो आप भी क्वेश्चन लिख दीजिएगा, सर आपने तो बोला है अपने अकॉर्डिंग हम चीजों को लिख सकते हैं, बात तो वही है, लेकिन वो बात नहीं लिखना है, थोड़ा किडनी ठीक से लगाना है, देन इज द मेनिस की तरह नहीं, बाकी जगह पे अपने लैंग्वेज चलेंगे, लेकिन यहां पे मिनिमम 183 डेज लिख दें। मुझे बताइए टेक्निकली गलत हुआ, कैलकुलेशन करते वक्त कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन आपका जो रिव्यू बोर्ड वाला है वो जब गाइडलाइन दे रहा है तो उसने भी यही लिख दिया है, और जो चेक करने वाला है पूछिए मत, माशाल्लाह उसे तो 183 गोला लगा दिया, पढ़ ले आगे पीछे, वो लिखा हुआ मिनिमम 183 और यहां पे जो है वो लिखा है क्या, मोर देन। तो इसीलिए जो है वो आप भी एग्जाम में लेकिन क्या लिखिएगा, और जहां पे बोलूं कि अपने मन से लिखने वाला लिखिए, और जिस जगह पे बोल दूं नहीं करने के लिए अगर उस जगह पे कीजिएगा। और कभी मुझे कॉपी सामने आ गया, यकीन मानिए जितने मेरे पास 12 रुपए हैं सब दे करके, लेकिन कूटूंगा जरूर, कि इतना जो है वो अच्छे से बताया उसके बाद वो गलती नहीं करना है। ये तो वही बात हुआ, तिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, और जाल में और बुद्धू चिड़िया फंसी हुई है, और ये बात बोल भी रही, शिकारी आएगा क्यों, खा भी रही है, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना मत। हमारा काम 182 डेज से क्या सॉल्व करते वक्त 183 भी दिमाग में रहा तो गलत नहीं होगा, क्या डिटरमाइन करने के लिए पीआरआई और पीआर, लेकिन जब लिखना रहेगा तो यही लिखना रहेगा। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर में वो कितने दिन कम से कम रहा हो, 182 डेज से ज्यादा दिन वो इंडिया में रहा हो, किसी भी कारण से एकदम ध्यान से सुनिएगा, नहीं रहा, क्यों नहीं रहा, है इंडिया का ही सिटीजन, लेकिन पैसे बहुत सारे आ गए, खूब जम के पैसा आ गया, निगी जी बन गए वो, खूब पैसा। अब इनके पास पैसा आया तो ये क्या कर रहे हैं, कभी मॉरिशस, कभी ओक्लाहोमा, कभी कहां जा रहे हैं, टोरंटो, और ऐसे ही बेल्लापंथी कर रहे हैं, और ऐसे ही घूमते घूमते जो है उनका 100 पूरा आदर दिया तो फिर नीचे नहीं लाना होगा, वरना वो एक ही बार तो चने के झाड़ पे चढ़ जाएंगे। तो अब जो है वो जो है वो उनके पास खूब पैसा आया, वो ऐसे ही जो है वो घूमना शुरू किए। हमने देखा कि वो जो है वो 200 दिन तो इंडिया से बाहर ही रहे हैं, क्या करने के लिए, बिजनेस ट्रिप पे गए थे, हट क्या करने गए थे, घूमने बिल्लापंथी के लिए, हर जगह घूमा, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकला, 182 डे से ज्यादा हुआ नहीं हुआ, बड़ा अच्छा है। जैसे ही ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, आगे कुछ मत चेक कीजिए, नेगी जी सैल बी डिक्लेयर्ड एज पीआर, बात खत्म। आप बोलेगा मजा आ गया सर, बस ऐसे क्वेश्चन आ जाए जहां पहले ही आ जाए, ऐसा नहीं होगा। जब दिया जाएगा तो एकदम लास्ट में जाकर के जो है वो पीआरवाई होगा, और आपको गुस्सा आएगा कि कमबख्त लास्ट में जाकर के तब पीआरवाई क्यों हुआ, जब लास्ट तक मुझसे चेक ही कराया तो क्या निकल जाए कम से कम। बट अपने क्रोध पे नियंत्रण रखिएगा, उनको आपके क्रोध से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर पहला चीज, जैसे ही आपको दिया गया कि इस फाइनेंशियल ईयर में इनका स्टेटस बताइए, क्या करेंगे, फटाक से क्या निकालेंगे, फाइनेंशियल ईयर नोट कर लेंगे क्योंकि इसका भी काम है, और क्या निकाल लेंगे, प्रीवियस ईयर, और पहला चीज चेक करेंगे क्या प्रीवियस ईयर में 182 डेज से ज्यादा रहा है इंडिया में। अगर जवाब है नहीं, आगे कुछ मत चेक कीजिए, काम खत्म, और क्या बोल दीजिए, पीआरओ। याद रखिए, फेमस सिटीजन को नहीं पहचानता, वो बोलता है मैं कुछ नहीं जानता, इंडियन अमेरिकन दोनों का मिक्सचर हाइब्रिड, क्या बोलता है मैं कुछ नहीं जानता, मैं बस एक ही चीज जानता हूं, या तो ये पीआरआई होगा या क्या होगा। मैंने इंडिया नहीं बोला था, याद कीजिए, मैंने ब्रह्मांड वर्ड तक यूज किया था, चाहे वो कोई प्लैनेट भी हो तो बोलेगा ना यूरेनस नहीं, या तो पीआरआई या पीआरओआई, जुपिटर नहीं, मैं नहीं जानता, या तो पीआरआई बोलो या क्या बोलो, वो कहता है मुझे इन दो के अलावा कुछ आता ही नहीं है, मैं इसी दो को पहचानता हूं, ये दो है तभी मैं कुछ बोलूंगा। अब अगला चीज लगाएं टिक, मान लीजिए कि 182 डेज से क्या हो गया है, ये मत कहिएगा सर मत लगाओ टिक, रहने दो, तब तो यहीं पे खत्म हो जाएगा, हमें तो आगे बढ़ना है। तो हमने क्या किया कि हमारा ये स्टेप क्या हो गया,
हो गया पूरा। अब जब यहां पे 182 डेज से ज्यादा हो गया तो अब चेक कीजिए, कहा क्या चेक कीजिए, ये 182 डेज से ज्यादा रहने की वजह क्या है। अब क्या चेक कीजिए, रहने की वजह। तो रहने की पहली वजह, क्या वो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट के लिए रह रहे हैं, क्या ये इंडिया में बिजनेस या वोकेशन, वोकेशन हो गया क्रिकेट खिलाड़ी वगैरह जो करते हैं वो क्या है, वो वोकेशन कहलाता है, जिसमें स्पेशल आर्ट ये इन्वॉल्व है उसको क्या बोल देते हैं, उनका रोजी रोटी वही है, लेकिन वो ये नहीं बोले मैं आप क्या करते हैं, तो मेरे पापा क्रिकेट का बिजनेस करते हैं। क्रिकेट का बिजनेस मतलब बैट विकेट इसका बिजनेस होता है, जो क्रिकेट खेलता है वो ये नहीं बोलता मैं क्रिकेट का क्या करता हूं, लेकिन इसी से तो उनके पास पैसे आते हैं, पैसे आते हैं अरबों रुपए आते हैं नहीं आते हैं, तो यहां पे इस वर्ड को वो क्या बोलते हैं, वोकेशन। तो मतलब बिजनेस से ही हो गया, या यहां आप इंप्लॉयमेंट मतलब या तो नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, आसान शब्दों में क्या इन दोनों कारणों से इंडिया में रहे हैं, नहीं। क्यों, तो आप अपने बारे में सोच रहे होंगे, सर हम तो ना जॉब करते हैं ना हम बिजनेस करते हैं, हम तो पूर्ण बिल्ले हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, आप रहते हैं लेकिन आप अनसर्टेन पीरियड के लिए रहते हैं। आप किस कैटेगरी में हो गए, या इंडिया में रह रहे हैं और कब तक रहेंगे ये अभी क्या है, अनसर्टेन है। तो आप हुए, मैं नहीं, मैं तो बिजनेस में आ जाऊंगा, इंप्लॉयमेंट में आ जाऊंगा, पहले जब मैं भी स्टूडेंट था तो मैं भी तीसरे कैटेगरी के कारण। तो आप हो गए कि आपके रहने का पीरियड क्या है, अनसर्टेन। तो ये जो 182 डेज से ज्यादा आप रह रहे हैं ये इन्हीं तीन कारणों से रह रहे हैं। आप कहेगा सर और कोई चीज आप बता दीजिए, तो बताता हूं, इंडिया में कोई घूमने के लिए आया ना, वो यहां जॉब करने के लिए आया ना बिजनेस करने के लिए आया, और ना ही अनसर्टेन है, उसके वीजा पे डला हुआ है कि 2 महीने में 3 महीने में क्या होगा या 10 दिन में चला जाएगा, तो वो अनसर्टेन हुआ या सर्टेन हुआ। तो इसका मतलब अगर इंडिया में कोई घूमने के लिए आया और तब इंडिया में जो है वो रह गया जो है वो 200 दिन, तब वो क्या होगा, यही सब चीज तो आगे बात करना रहेगा। तो इसीलिए सीक्वेंस ध्यान से समझिएगा, सबसे पहला चीज इंडिया में कितने दिन रहा हो, 182 डेज से, रहने का वजह सिर्फ ये तीन, एम्प्लॉयमेंट बिजनेस या अनसर्टेन। क्या यहां टिक लगा, नहीं, इंडिया में रहा तो था, हरिद्वार में रह रहा है, और जो है वो पिछले जो है वो 8 महीने से रह रहा है, हो गया 240 दिन, लेकिन वो यहां पे जो है वो आया हुआ है यहां रहने के लिए रिसर्च के लिए, और लिखा हुआ है उसमें कि इतने दिन में वो चला जाएगा, जड़ी बूटी और बाकी चीज पे रिसर्च करने आया है। अब मुझे बताइए, पहला पॉइंट तो टिक हो गया, स्टेप वन तो हो गया, लेकिन क्या स्टेप टू हुआ, क्योंकि उसमें क्या लिखा हुआ है, इसी तीन कारण से होना चाहिए। अगर ऐसा है तो क्रॉस, तो हम क्रॉस करें या टिक लगाएं, अगर क्रॉस कर गया तो PROI बोल दीजिए, पहले ही पोजीशन पे क्रॉस तो वही PROI, पहले पे टिक लगा दूसरे पे क्रॉस लगा तो क्या हो गया, PROI, दोनों में टिक लगाएं। अब तीसरा चीज चेक कीजिए, अभी हम किस ईयर में है, फाइनेंशियल ईयर में है या प्रीवियस ईयर में, सारा सांस्कृतिक कार्यक्रम अभी हम किस ईयर में कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर में कर रहे हैं, जो निकालना बहुत मुश्किल काम है या निकल जाएगा, ठीक है। तो जब निकल गया तो अब ये देखिए कि क्या इस प्रीवियस ईयर के दौरान वो इंडिया से बाहर गया है, इंडिया से बाहर, जवाब है नहीं गया है, तो ये कंडीशन ऐसे ही फुलफिल हो गया, तब इसको और कुछ चेक करने की जरूरत, लेकिन जवाब आया हां, प्रीवियस ईयर में वो इंडिया से बाहर गया है। अगर गया है तो क्रॉस नहीं लगाइए, फिर चेक कीजिए, एकदम ध्यान से, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ऐसे ही प्रोसेस समझिए। अब कह रहे हैं कि इंडिया से बाहर गया ही नहीं है प्रीवियस ईयर में, कहते हैं स्टेप थ्री फुलफिल, गया है इंडिया से बाहर, क्रॉस नहीं, नहीं, और चेक कीजिए, क्या चेक करें तब, अगर इंडिया से बाहर गया है, जाने की वजह इस बार ये तीन नहीं होना चाहिए, कहा जाने की वजह कुछ भी और हो लेकिन कौन सा वजह नहीं होना चाहिए, ये तीन, रहने की वजह यही तीन होना चाहिए। जो रहने की तीन वजह थी, कह रहे हैं कि ये तीन में से कोई भी वजह जाने का नहीं होना चाहिए, क्लियर है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का उल्टा है। रहने की वजह सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस,
अनसर्टेन पीरियड. इंडिया से बाहर जो गया है वो जाने की वजह जो है वो किसी भी शर्त पे इन तीन में से कोई भी नहीं होना चाहिए. कौन कौन सा? एम्प्लॉयमेंट के लिए ना गया हो, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए कि वहीं जाके बिजनेस करेंगे, और अनसर्टेन पीरियड के लिए गया है लेकिन इन तीन काम के लिए नहीं गया है, तो स्टेप थ्री पे टिक लगाएंगे या नहीं? यस, स्टेप थ्री फुलफिल, गया ही नहीं है इंडिया से बाहर, स्टेप थ्री को टिक लगाएंगे या नहीं? यस, स्टेप थ्री हमारा फुलफिल. अगर गया ही नहीं है तो आगे कुछ नहीं देखेंगे, कंडीशन फुलफिल. लेकिन गया है तो क्रॉस मत कर दीजिए, बल्कि क्या कीजिए, चेक कीजिए क्या जाने की वजह ये तीन है. कौन सा तीन? एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या अनसर्टेन. और अगर ये तीन नहीं है तो क्या कर दिया, लेकिन यही तीन में से कोई एक निकल गया तो क्या कर दिया, और तब लास्ट में अगर क्रॉस लग जाए तब भी वो क्या हो गया, पीआर ओआई हो गया. तो अभी रुकिए जरा, थोड़ा और सबर करना होगा. ये तीन चीज आपने कहां चेक किया? चलिए, पहले आपको बोला था फाइनेंशियल ईयर को नोट करके रख लीजिए, नहीं बोला था? कुछ तो होगा जो बोला होगा. आप बोले नहीं सर, आप तो ऐसे बहुत चीज बोलते हो तो एम ही बोल दिए होगे. नहीं, हर चीज का मतलब निकल करके ही आएगा अंतिम समय तक, मरणोपरांत से पहले तक के कहीं ना कहीं उसका यूज आ ही जाएगा. यहां से लेकर के प्रोफेशनल तक में कहीं ना कहीं याद दिला दूंगा, जितने भी एग्जाम्पल हैं, जितने भी चीज बोला है. तो अब यहां पे कह रहे हैं कि आइए फाइनेंशियल ईयर में, और चौथे चीज को चेक कीजिए. तीन चीज कहां चेक किया, चौथा चीज कहां चेक कर रहे हैं, कहा क्या चेक करेंगे? कहा रिपीट द स्टेप थ्री इन फाइनेंशियल ईयर. कौन सा चीज और स्टेप थ्री क्या है? क्या वो इंडिया से बाहर गया है? पिछली बार क्या देखे थे इंडिया से बाहर किस ईयर में, यानी कि 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 के बीच में. अब बोल रहे हैं कि ये भी चेक करो कि क्या वो 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 के बीच में इंडिया से बाहर गया है, नहीं गया है. ये कंडीशन चौथा क्या हो गया, फुलफिल. गया है, क्रॉस कर दें? नहीं, चेक करेंगे कि जाने का वजह ये तीन नहीं होना चाहिए. यही तो स्टेप थ्री है. कौन सा? एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या, और अगर इस काम के लिए नहीं गया है तो चौथे पे भी क्या लग गया. अब देखिए, आप अगर जो है वो बिल्कुल जो है वो कहिए कि किस्मत के पैदल होंगे, भगवान ने पूरे गर्मी के छुट्टी में आपका किस्मत जो है वो लिखा होगा, तो वैसे केस में जो है फुर्सत रहता है ना समर वेकेशन में, काम कम रहते हैं, तो ऐसे में जो है पहला पे जो है वो आपका जो है वो टिक लगा, स्टेप वन प्रीवियस ईयर वाला. प्रीवियस ईयर का स्टेप टू भी ओके, प्रीवियस ईयर का स्टेप थ्री भी. चौथे में जब आए तो उसमें भी जो है वो ये नहीं कि नहीं गया है, गया है, लेकिन जो है वो जाने का वजह क्या निकल गया है, इन्हीं में से कोई एक निकल गया, वहां जाकर के क्रॉस लगेगा. और फाइनली आप उसे क्या लिखेंगे, आप बस इतना ही सोचेंगे कि अगर तुझे मरना ही था तो तू फर्स्ट पॉइंट पे मरता 182 डेज से क्या करता, पूरा ही नहीं करता, मेरा काम क्या हो जाता, आसान हो जाता. क्लियर है ये बात? क्या मैं उम्मीद करूं कि इस पे अगर आपको न्यूमेरिकल दिया जाए तो आप बना लेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा आसान तरीका मेरे पास नहीं है इसको क्या करने का. एक बार और बोल दूं या क्लियर है? अगर हमसे पूछा जाएगा, लेकिन क्या पूछा जा रहा है, एक फाइनेंशियल ईयर दिया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि बताइए इस फाइनेंशियल ईयर में राम रहीम इना मीना डीका जो भी हैं ये पीआरआई हैं या पीआरओआई, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, वो फाइनेंशियल ईयर नोट कर लेना है और उसका क्या निकाल लेना है. तीन बातें चेक करेंगे किस ईयर में, और एक कहां चेक करेंगे, लेकिन मैंने चार बातें नहीं बोला चेक करेंगे, जैसे मैंने बोला वैसे ही. प्रीवियस ईयर में तीन बातें और फाइनेंशियल ईयर में आपके का कोई कहीं से चेक कर ले, कर लीजिए. कहीं भी क्रॉस लग गया तो वो पीआरओआई कहलाएगा, लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूं उससे ज्यादा आगे चेक नहीं करना पड़ेगा. हो सकता है आपका भी गलत नहीं होगा. क्यों? आप बोलेंगे पहले मैं चेक करूंगा,
क्या चेक करूंगा कि फाइनेंशियल ईयर में जो है वो इंडिया से बाहर गया है नहीं, जाने का वजह ये है या नहीं, कर लीजिए। वहां पे टिक लग गया, वहां के अकॉर्डिंग ओके है, सब है। और उसके बाद जो है वो अंत में आ रहे थे, कह रहे ये तो 60 दिन ही इंडिया में रहा, तो क्या आप गए ही उल्टे तरीके से थे, तो आपके आंसर गलत होंगे क्या? नहीं, आंसर पे तो दोनों पहुंचेंगे, लेकिन फिर वही अब ये आपके ऊपर है कैसे कान को पकड़ना है। ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी घूम करके। तो पैटर्न देख लिया, रूल इसका चेक, स्टेप वन, स्टेप टू एंड स्टेप थ्री किस ईयर में, एंड स्टेप थ्री अगेन किस ईयर में, करेंट ईयर, या करें कुछ चेक। मैं इस केस में एक और एस्पेक्ट बताऊं, जिस दिन वो इंडिया से गया है, ध्यान से वो डेट माना जाएगा कि इंडिया में है, काउंट करते वक्त जिस दिन इंडिया से, उसको मानेंगे इंडिया में रहा है, और जिस दिन इंडिया के बाहर से इंडिया में आया है वो भी डेट माना जाएगा इंडिया में ही था, भले एक सेकेंड के लिए। जैसे किसी के फ्लैट का टाइम जो है, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी के फ्लैट का टाइम का टेक ऑफ का टाइम जो है वो 0001 है, यानी कि रात के 12:01, तो इसका मतलब रात के 12 बजे तक के बाद ही तो दिन बदलेगा, सिर्फ एक ही मिनट के लिए तो इंडिया में रहा, निकल गया, लेकिन एक मिनट भी रहा तो वो डेट क्या माना जाएगा। और जब हम कैलकुलेशन करेंगे 182 डेज वाला, तो उसमें एक शामिल हो गया। अब जब वो जो है वो लैंड कर रहा है इंडिया में, तो इंडिया में वो लैंड कर रहा है और फ्लाइट जो है वो लैंड की है 11:59 रात, 11:59 में आया। मुझे एक चीज बताइए, अब कितना देर बचा हुआ है आज के पूरे दिन में कैलेंडर के हिसाब से, लेकिन क्या माना जाएगा कि वो इंडिया में रहा है। क्लियर है आपके? सर इतने नाटक की जरूरत होती है क्या जितना आप 11:59, जब कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे तो वो टिकट, और उस समय जो है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल से हम लोग जो है वो रिकॉर्ड मंगवाते हैं, और तब जो है वो देखा जाता है कि कब आया है, तभी तो केस फंसता है। आपको क्या लगता है जहां 5 दिन का गैप रहेगा वहां पे मामला उलझेगा? मामला तो उसी जगह उलझेगा जहां पे ये एकक जानबूझ करके कोई कोई बचना चाहते एकक दिन के कारण, तो कोई बचना भी है और दूसरी तरफ पकड़ना भी है। तो आप लॉ जानिए और उसका क्या कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। तो डेट ऑफ अराइवल एंड डेट ऑफ डिपार्चर शैल बी कंसिडर एज रिसाइडिंग इन इंडिया। क्लियर है? अब इतने के बेसिस पे आप कीजिए हमला पहले क्वेश्चन पे, और मैं इस बार कुछ नहीं कह रहा हूं, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक जो है वो फॉर्मेट बना दिया है। ये फॉर्मेट आप जरूर अपने जो है वो नोट में, मैंने जगह भी छोड़ दिया है इस क्वेश्चन को, जहां आप ढूंढेंगे तो वहां पे स्पेस होगा। देखिए है या गायब कर दिया एडिटर ने, है तो इसका मतलब एडिट नहीं हुआ, मतलब नॉर्मली जब हम लोग देते तो बुक में जाने से पहले और उसको सजाया जाता है। अभी जो आप देख रहे हैं वो सीधे मेरा ही वाला काम है, और जो आप ज्यादा सजावट जब देखते हैं तो उनके काम रहते हैं। तो इसमें जो है आपको इसी फॉर्मेट से चलना है, तो एक फॉर्मेट आप रखेंगे, उसके बाद आप जैसे भी करके बनाए, लेकिन इस फॉर्मेट से अगर आप नहीं चलेंगे तो यकीन मानिए गलती होगी। क्वेश्चन है, मिस्टर ए फॉरेन सिटीजन कम्स टू इंडिया ऑन विच वीजा, तो ये सिटीजन कहां का है, फॉरेन सिटीजन है, कहां आया, किस वीजा पे, एम्प्लॉयमेंट वीजा लिखा हुआ है, अपना किडनी चलाते रहेगा क्योंकि अगला चीज बनता है इंडिया में रहने की वजह, तो इसीलिए लिख दिया है कि वो इंडिया में किस काम के लिए आया है, एम्प्लॉयमेंट के लिए आया है। इंफोसिस में कोई काम करता है यूएसए जा सकता है, 2-2 साल रह रहा है, कोई बंदा माइक्रोसॉफ्ट में 2 साल से रह रहा है, तो देखिएगा अपना सिटीजन PRY हो जाएगा और फॉरेन सिटीजन PRI हो जाएगा। तो कह रहे हैं अक्टूबर, एंड ही लेफ्ट इंडिया परमानेंटली, फिर चला भी गया, कब चला गया, 10 अगस्त 2003 को। व्हाट इज हिज स्टेटस फाइनेंशियल ईयर 2002-2003, 2003-2004 और 2004-2005 में। मैंने पहला चीज क्या बोला है, ये क्वेश्चन मैं आपके साथ कर रहा हूं, पहला चीज मैंने क्या बोला है, क्या हमारे पास जो फाइनेंशियल ईयर है, तो बोला था फाइनेंशियल ईयर को पहले क्या करने,
नोट कर लेने, कर लिया। अब इसके कॉरेस्पॉन्डेंस क्या निकालें? निकालें, हाँ जी उज्जवल, दिख नहीं रहा है भविष्य वैसा। एक एक जोर से, जोर से। ओ, पूरा पीआरआई पीआरओआई हो जाएगा। और पीआरओआई क्या हो जाएगा, याद है कुछ पीआरआई पीआरओआई? पक्का? अच्छा, बस थोड़ी देर के लिए ही गए थे। देखा क्या शानदार जवाब दिया, मुंह बंद सामने वाले के। पीआरआई, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। और आगे ये भी बता दीजिए, नेम, माय नेम इज जेम्स बॉन्ड, बॉन्ड 007। चलिए ध्यान से देखिए, अगला काम क्या करना है इसमें? प्रीवियस ईयर निकलेगा, क्या हुआ प्रीवियस ईयर से लेकर के 2000, इसमें 2000 और यहां 2004। अब फिर रुकिए जरा, अब इसमें आप ये देखिए कि पहला स्टेप करना है कि इंडिया में रहा या नहीं, यही चेक करते हैं ना। इसका मतलब स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री किस ईयर चेक करेंगे? प्रीवियस ईयर। और फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ क्या चेक करेंगे? स्टेप थ्री। जो जो क्लियर है उसमें टिक, और जहां क्रॉस लग जाए तो यहां पे पीआरओआई हो जाएगा, यानी सब में टिक लगना चाहिए। तो सबसे पहले आप जो चेक करना शुरू करेंगे वो ये देखिए कि किस डेट से चेक करेंगे। ये आप करेंगे 1/4 कहां से? 2001 से। कब तक चेक करेंगे मुझे एक चीज बताइए, यहां पे हमारा ईयर तो खत्म कब हो जाता है मुझे बताइए? इस बीच में वो इंडिया में है, फॉरेन सिटीजन है, और आया उस कब है? इसका मतलब उससे पहले कहां था? फॉरेन में था, कहीं भी था, इंडिया में तो नहीं था। तो 182 डेज से ज्यादा हुआ तो यहां पे नॉट मोर देन कितना? 182, यानी कि नील हुआ। लेकिन हमें तो यह देखना है, नील का मतलब तो यही है, इसका मतलब ये कंडीशन हुआ फुलफिल नहीं, पहला ही स्टेप फुलफिल। आगे चेक करें, करें क्या लिखेंगे? चलिए आगे आइए, अब आते हैं 2003-04 में। तो प्रीवियस ईयर क्या हो गया? ठीक है, तो अब यहां से आप 1/4 से चेक करेंगे कहां तक? आप चेक करेंगे 31 तक। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, इंडिया में जो है वो इस बीच में आया है भी या नहीं? आया है। और इसी बीच में एक डेट पड़ता है जिस डेट को बोल रहे हैं, कौन सा डेट? 25/10 बोल दें। इसका मतलब इससे पहले के डेट से कोई लेना देना है? तो हम यहां से चेक नहीं करेंगे। हम कहां से चेक करेंगे? हम चेक करेंगे 25/10 से। लेकिन इसी बीच में चला भी तो नहीं गया है? नहीं, जाने वाला ईयर इसके बाद है। तो हम बस देखेंगे कौन सा डेट, 31/3 तक का। और 31/3 तक का अगर हमने देखा तो 25/10, दसवां महीना, 11, 12, 1, 2, 3, तो 25 से 25 तक 6 दिन एक्स्ट्रा, मोटा मोटा लेकर के देखते दोस्त, तब भी 150 160 होंगे, 182 डेज नहीं हुआ, इसी से हमारा काम चल रहा है। तो ये भी जो है वो नॉट मोर देन क्या है? 182 डेज। तो यहां पे ही स्टेप वन में ही क्या लग गया? क्रॉस। तो ये क्या हो गया? पी आर ओ आई। चलिए अब जरा हम लोग चलते हैं 4/5, फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा? तो किस डेट से चेक करें? यहां पे 1/4 से कब तक चले? 31 तक। कहा जरूर जाते 31 तक, लेकिन रहेगा तब ना, कहां चला गया है वो, कितने तारीख को? तो यहां से चेक करेंगे, लेकिन कहां तक जाएंगे? यही तो चेक करेंगे। अब यहां से जब 1/4 से करते हैं तो एक पूरा, यानी कि चौथा महीना पूरा, अप्रैल पूरा, मई, अप्रैल, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये पूरे 4 महीने, तो 120
तो चार और दिन एक्स्ट्रा और इधर 10 दिन, तो तब भी जो भी है वो किससे ज्यादा नहीं है, 182 डेज से ज्यादा नहीं है। तो ये सब को हमने चेक किया था नहीं, ना क्रॉस है ना कुछ, इसको चेक ही नहीं किया। स्टेटस क्या हो गया, PROI, क्लियर है। इसके बाद फेमा में टाइम नहीं लगेगा, यही जगह है जहां पे इतना रुक रुक के चलना है, तो इसीलिए इसको ध्यान से समझिएगा। क्लियर, पक्का? चलिए, तो अब आप जो है वो इस क्वेश्चन में मैं अपना जुबान ना खोलूंगा क्योंकि लिखा हुआ है, एग्जाम में आके समझाता भी है ना ऐसे ही, जैसे मैं समझा रहा हूं, टेबल बना दे रहा हूं, वैसे प्रोजेक्टर लेकर के वो बोलते हाँ अब बनाइए। तो क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे एक चीज बताइए, मिस्टर ए इंडियन सिटीजन गोइंग आउटसाइड इंडिया, कब जा रहा है? चलिए फाइनेंशियल ईयर 4-5 में पहुंचे, जरा प्रीवियस ईयर निकाल लें, निकलेगा? देख लीजिए कहीं निकल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। निकला, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च 2004 तक, चार ही निकलेगा ना प्रीवियस ईयर, क्या इस बीच में ये इंडिया से बाहर गया है? कहां का सिटीजन है? क्या माने कहां सर रहा था, जो भी कर रहा था इंडिया में ही था, तो इसका मतलब ये कंडीशन फुलफिल हुआ या नहीं? जबरदस्त हुआ भाई, मोर देन 182 डेज, क्या पूरा का पूरा 365 दिन रहा है जो कि ऑलरेडी किससे ज्यादा है, गया ही नहीं है अभी तो, गया ही नहीं है। अब देखें वजह का, कोई बात नहीं, इंडियन सिटीजन है, या तो क्या होगा जॉब या बिजनेस, और नहीं तो फिर अनसर्टेन जैसे हैं हम, तो ये भी हो गया। क्या इस बीच में इंडिया से बाहर गया है, नहीं गया, तो ये भी कंडीशन क्या हो गया, फुलफिल। हम इस अंदाज से चल रहे हैं कि कंडीशन स्टेप 3 हुआ या नहीं हुआ, कहने का ये मतलब है। और यहां पे जो है वो आपको देखना है अब किसमें, तो ये फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत 1-4 से लेकर के कहां तक होगी, 31-3 तक। अब इस बीच में बताइए 10 नवंबर 2004 आएगा या नहीं, आ जाएगा इसी बीच में, तो इस बीच में इंडिया से बाहर गया या नहीं, गया है। तो गया है तो PROI बोल दें, क्या चेक करना होगा, जाने की वजह। तो कह रहे हैं कि गोइंग आउट ऑफ इंडिया ऑन किस वीजा पे, लिखा हुआ तो है ही, तो इसका मतलब तो एम्प्लॉयमेंट के लिए गया, कंडीशन हमारा सेटिस्फाई नहीं हुआ, यानी कि उसको इंडिया से बाहर किस वजह से नहीं जाना चाहिए, तो इसका मतलब है कि अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, क्रॉस लग गया कहीं पे भी, तो वो क्या होगा, PROI। देखिए यहां जाकर के लगा ना, इस बार बहुत गड़बड़ हुआ कि जाकर के लगा टिक भी तो कहां, बिल्कुल लास्ट, कोई नहीं जहां लगा लगने दीजिए। अब आए जरा अगले साल, क्योंकि अब आपसे तो 2 साल 5-6 भी पूछ रहा है, तो पहला काम क्या करते हैं, देखिए बार बार कुछ कहूं तो समझिए, एक तो बड़ा हूं, दूसरा टीचर हूं, गलती से तीसरा साइकोलॉजिस्ट हूं, तो इसीलिए अगर कभी बोलूं कि उसी तरीके से करने तो प्लीज एक बार में सुन लिया कीजिए, नहीं तो फिर 1-2 बार गलत होगा फिर जाकर के चीज ठीक होगा। तो इसीलिए बोला ये टेबल और वैसे ही करने, पहला चीज नोट करने, कौन सा फाइनेंशियल ईयर है, कर लिया नोट, 5-6 में निकाल रहे हैं, अब क्या लिखे पैरेलल में, प्रीवियस ईयर आ गया। पहला चीज किस में चेक होगा, 3 स्टेप तो प्रीवियस ईयर में होगा, चलिए जरा चेक करते हैं 31 मार्च से लेकर के कौन सा समय, चेक करते कहां तक, 1-4 से करते कहां तक, इतने तक करते जरूर करते, लेकिन बंदा चला कब गया है, तो अगर वो चला ही गया है 10 नवंबर को, तो हम यहां से यहीं तक चेक करें या यहां तक कर लें, तो 1-4 से कहां तक चेक करेंगे, तो चलिए 1-4 से चेक करते हैं, अप्रैल रहा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, रुक जाते हैं पहले यहां 7 महीने, अगर कितने भी कम का भी होगा तो भी जो है वो कोई भी महीने 28 से कम का नहीं होता, और ऐसा एक ही महीना होता है, बाकी तो 30 या किसका होगा, तो हम रफली 30 भी अगर ले लेते हैं तो 210 दिन नहीं हो गया,
और इधर भी 10 दिन तो और बचे हुए नवंबर के, तो इसका मतलब जो भी दिन है ये ग्रेटर देन क्या है, तो इसका मतलब ये वाला तो टिक है, रहने की वजह जब तक इंडिया में रह रहा है ये 3 होगा तो ये भी फुलफिल है। क्या इस बीच में इंडिया से गया है? गया है, तो प्रीवियस ईयर में चेक करेंगे, गया है। किस कारण से गया है भाई? देखिए पिछले बार जो है ये कंडीशन फुलफिल हो गया था, क्योंकि गया ही नहीं था तो हमारा टिक लग गया था, इस बार तो गया है तो यहां पे इसको चेक करेंगे, तो वहां पे हाइफन देने के लिए बोला, तभी तो आपको पता चलेगा कि क्या क्यों उसको चेक ही नहीं किया है। तो ये क्या हो गया? PROI हो गया। क्लियर है ये? हाँ या ना? अब इसमें है ट्विस्ट, देखना है ट्विस्ट। अब अगला दौर शुरू होता है और वो दौर है पॉइंट ऑफ टाइम। अभी तक जो आप देख रहे थे वो देख रहे थे पीरियड ऑफ टाइम, क्या देख रहे थे, जिसमें मैं आपको फाइनेंशियल ईयर बता रहा हूं। अब एक खास डेट को अगर कह दिया जाए स्टेटस बताने तो क्या रहेगा? पहले एक ये बना लीजिए तब देखते हैं। अब देखिए मिस्टर ए कहां का सिटीजन, किस वीजा पे जा रहा है, ये मैटर करता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें 2004-5 में इसका निकालना है, फाइनेंशियल ईयर निकल गया, प्रीवियस ईयर जल्दी बताइए कब गया है, इस बीच में आएगा ये डेट नहीं? इंडिया का है तो इसका मतलब पहला स्टेप पूरा होगा या नहीं, पूरा 365 दिन रहा ये हो गया। इंडिया में ही जब है, इंडिया का ही सिटीजन है तो रहने का वजह भी हो गया। क्या प्रीवियस ईयर में गया है इंडिया से बाहर, तो ये भी हो गया। अब फाइनेंशियल ईयर में, क्या फाइनेंशियल ईयर में ये डेट आ रहा है, कौन सा डेट, 10 नवंबर 2004, सेम क्वेश्चन है लगभग, थोड़ा सा चेंज है, जो भी रहे। तो चलिए वो बाहर वाला था, ये यहां वाला बाहर जा रहा है, जो भी रहे। तो अब जो है वो इंडिया सिटीजन बाहर गया, तो जब वो जा रहा है तो जाने की वजह जो है वो क्या होनी चाहिए, है एम्प्लॉयमेंट नहीं, बिजनेस अनसर्टेन तो है नहीं, अनसर्टेन भी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि वीजा पे क्या दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है कि वो जो है वो रिटर्न किस डेट को होगा, वो मेंशन है। अगर ये है तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो गया, तो अगर ये सारे कंडीशन हो गए तो क्या है, कहीं क्रॉस ही नहीं लगा तो वो क्या होगा, PRI या PROI, PRI, चलिए शुक्र है एक भी तो PRI हुआ, या पहले भी हुआ था ना PRI, अभी तक नहीं हुआ ना, चलिए। अब यहां पे जो है वो 2004 और 5 में, अब बताइए वो कब गया है, 10 नवंबर, इसी बीच में आ गया ना, तो 1-4 से लेकर के 10-11 तक में कितने दिन हुए, कह रहे हैं कि जो भी दिन हुआ वो 182 डे से क्या हो गया, 222 दिन के आसपास हुआ, तो ये कंडीशन तो हो गया, ये भी हो गया रहने का वजह। और क्या इस बीच में इंडिया से बाहर गया है, गया है, तो गया है तो चेक कीजिए, लेकिन पीरियड क्या है, तो ये भी टिक हो गया, आगे नहीं, क्योंकि वो जो है वो कह रहा है कि वो तो वहां पे है, इस बीच में जो है वो इंडिया से बाहर नहीं गया है, तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो गया। अब आप देखिए इंडिया में था नहीं, इंडिया से बाहर गया था तो भी क्या है, और अब देखिए वो इंडिया से बाहर है तो भी स्टेटस क्या है, PRI का है। अब जरा 6-7 में देखिए कि क्या है, ये इसीलिए दिखला रहा हूं कि आप देखिएगा, इंडिया में रहते हुए आपने देखा PROI हो सकता है, इंडिया में नहीं रहते हुए क्या हो सकता है, चला गया इंडिया से बाहर तो भी PRI, और देखिएगा इंडिया आ जाएगा तो भी शायद जो है वो PROI रहे, ठीक है। तो यहां पे जो है वो 2000 कौन सा, 5 और 6, बताइए कितने दिन इंडिया में है ही नहीं, तो 182 क्या नील हो गया, तो इसका मतलब ये कंडीशन आगे चेक कर लें, ठीक है। तो इस क्या हो गया, PROI। अब जो है वो 7-8 का मतलब 2006 और 7 रहा इंडिया में,
कहां से देख रहे, कब आया है इंडिया, तो 10 नवंबर से तो काउंट करेंगे, 10 11 से लेकर के कहां तक, 31 3 तक, यानी कि हम अगर 10 से 10 भी लेते हैं तो भी नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया और 20 दिन और हो गए, तो 150 और 20 180 पूरे नहीं हो रहे हैं। क्लियर है? यानी कि यहां पे जो है वो आपका 182 डेज वाला पूरा नहीं हुआ, लेस देन क्या है 182 डेज। तो आगे चेक करें तो अब आप खुद देखिए, इंडिया आ गया है तो भी स्टेटस क्या है, इंडिया से चला गया था तो भी स्टेटस क्या था। क्लियर है? अब सब बन जाएगा, पक्का है? कोई क्वेश्चन और है आपके में? हालांकि इतना लोड का नहीं है जरूरत, लेकिन इतने से कंसल्टेंसी नहीं दे पाएंगे, उसके लिए और चाहिए। बस थोड़ा सा एक अगर आप चाहें थोड़ा सा ट्विस्ट तो दे सकता हूं, एग्जाम इससे ज्यादा पे नहीं जाएगा मेरे समझ से। एक जो है वो जरा सा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखा है आपने, सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, और इसी क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए मैं क्या देने जा रहा हूं। ये देखिए, इस बार आपसे स्टेटस जो मैंने पूछा है वो कब पूछा है, पॉइंट ऑफ टाइम पे पूछा है। ये सब आपके 2004 के ही ईयर है। कौन सा ईयर? अब इसको कैसे बनाइएगा, क्योंकि अभी तक जो मैंने बताया है उसके अकॉर्डिंग पहला चीज, अब यही बोला कि जो बताया सुनिएगा जरा ध्यान से, तब चौधरी बनिएगा, तब बनाना शुरू कीजिएगा। पहला स्टेप क्या बताया है, ये पहला फाइनेंशियल ईयर क्या करने, नोट करने, वर्ड याद रखिएगा, मैं जो बोलता हूं मुझे याद रहता है और उसका काम है, इसीलिए बोला है फाइनेंशियल ईयर क्या करने। ठीक है, कर लिया नोट। इस बार जो है वो आपसे पूछा ही नहीं गया है तो आप नोट कैसे करेंगे, कहा कोई बात नहीं। इस बार जो पूछा गया है वो डेट बोला गया है, तो अगर डेट बोला गया है तो वो डेट जो है वो जरा सा नोट कर लीजिए कि किस फाइनेंस, वो डेट नोट कर लीजिए, क्या कर लीजिए, और डेट नोट करने के बाद ये निकाल लीजिए कि वो डेट किस फाइनेंशियल ईयर में आता है। बस एक स्टेप ज्यादा हुआ कि एक चीज एक्स्ट्रा नोट करना पड़ा, वो क्या, ठीक है, और फाइनेंशियल ईयर तो नोट करते ही थे, लेकिन इस बार फाइनेंशियल ईयर नोट नहीं किया बल्कि फाइनेंशियल ईयर क्या करना पड़ा, निकालना पड़ा, क्योंकि आपको जो दिया हुआ है वो 9 नवंबर दिया हुआ है। तो पहला चीज आपको क्या करना है, 9 नवंबर 2004, अब इसके बेसिस पे क्या निकालना है, फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर यहां पे पहले क्या लिख लीजिए, 9 नवंबर लिख लिया, अब इसका जो है वो 9 नवंबर 2004 है, तो फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया, प्रीवियस ईयर निकलेगा, क्या निकलेगा, निकल गया। अब यहां से सेम कहानी चलेगी, अब आपको जो है वो प्रीवियस ईयर में तीनों के तीनों स्टेप चेक करने हैं। देखिए आप चेक कर पाते हैं या नहीं, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जैसे था, तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो हमारा स्टेप 1 फुलफिल हुआ था, हाँ या ना, ठीक है, यानी कि 182 डेज से ज्यादा रहा है, रहा ये जब गया ही, ये कब गया है, 10 नवंबर को गया है, तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर में तो पूरा रहा है, रहने की वजह भी पता है, इंडिया से बाहर गया भी नहीं है इसमें, अब प्रीवियस ईयर तो हो गया, अब क्या चेक करना रहता है, अब फाइनेंशियल ईयर चेक नहीं करेंगे बल्कि जो है यहां पे पॉइंट चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, किसको चेक करेंगे, पॉइंट चेक करेंगे। इसका मतलब हम फाइनेंशियल ईयर नहीं चेक कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं, पॉइंट कौन सा है, 9 नवंबर। तो क्या आपको देखना यह है कि ये जो है आपको 9 नवंबर को पूछा जा रहा है ना, तो ये जो है वो 9 नवंबर को इंडिया में या इंडिया से बाहर, इंडिया में, इंडिया से बाहर, अगर फाइनेंशियल ईयर में इंडिया से बाहर गया ही नहीं हो तो कंडीशन टिक लगाते हैं या नहीं। इस बार उस डेट को देखिए, 9 तारीख को ये इंडिया में या इंडिया से बाहर, बस यहां टिक लगा दिया और स्टेटस क्या हो गया, पीआरआई। क्लियर है?
अब जो है वो किस डेट को पूछ रहा है? ठीक है, छोड़ दीजिए 10th नवंबर को, आप आ जाइए पहले 11th नवंबर को। 11th नवंबर को आएंगे तो फाइनेंशियल ईयर निकाल लिया, प्रीवियस ईयर निकाल लिया, यहां तक की कहानी सेम है। अब यहां पे आइए, इस पॉइंट पे 11 नवंबर को इंडिया में, इंडिया से बाहर। अगर इंडिया से बाहर तो आपको क्या करना पड़ेगा? अब चेक करना पड़ेगा वजह क्या है। बस जो चीज करते थे ईयर में वो क्या करेंगे? उस पॉइंट पे करेंगे। तो जाने की वजह जो है वो किस चीज के लिए है? तो क्या माने? तो नहीं हुआ कंडीशन फुलफिल, तो यहां पे क्रॉस लगा दिया, क्या हो गया? टीआर। और रुकिए, अब 10th नवंबर को पीआरआई पीआरओआई क्यों? हाँ, क्योंकि हमने वो कैच पढ़ा हुआ है, डेट ऑफ अराइवल एंड डेट ऑफ डिपार्चर शैल बी कंसीडर एज रिसाइडिंग इन, तो इसका मतलब ये बिल्कुल वैसा ही हो गया और यहां क्या हो गया? पीआरआई। अब क्लियर है? अब आपको लग रहा होगा कि सारा निकाल लेंगे, अगला दूंगा फिर नहीं निकलेगा, लेकिन अब अगला उससे ज्यादा नहीं दे सकते अब। लेकिन वो हो क्या सकता है वो आपको थोड़ा सा जरूर बता दूं, वो क्या हो सकता है। अगर मान लीजिए कि आपसे पूछ दिया और पूछ दिया कि कोई एयर होस्टेस है, वो जो है वो इतने डेट को जो है वो बोर्ड की और इतने को डीबोर्ड की, आपको स्टेटस उसका निकालना रहेगा, तो ये सब आप बना सकते। लॉजिक इतना सही है, कॉन्सेप्ट इतना ही है, बस डिपेंड करता है ये कितना अप्लाई करते हैं। जैसे बाकी खुराफात में नहीं करते हैं, उसमें तो जो है वो पूछिए मत, वैसे ही इसमें अब कितना आप इसका इस्तेमाल करते हैं, कुछ नहीं। जितने बार उसे आना जाना है जाने दीजिए, आने के डेट और जाने के डेट को किसका डेट मानिए? इंडिया में क्या करने का? ठीक है, अब आप कहिएगा कि सर अगर वो एयर होस्टेस है और प्लेन से जा रही है तो ऐसे केस में जो है, अगर एयर होस्टेस है और प्लेन से जो है वो आ रही है और जा रही है तो वो तो अपने काम के लिए आ जा रही है, तो वो तो जैसे ही पहली बार ही बाहर होगा वो तो वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा? पीआरओआई हो जाएगा। तो पहला स्टेप वो निकालते हैं या पहले इंडिया का डेट काउंट करते हैं? तो पहले आप डेट काउंट करेंगे। आप बोलेगा सर कितना भी डेट आप काउंट करा लीजिए, लास्ट में जो आप कह रहे हैं कि वजह जो है वो बाहर जाने का, वो तो फिर निकल ही जाएगा। कौन सा वजह? एम्प्लॉयमेंट का कहा गया? नहीं। अब उस केस में आपको देखना पड़ेगा बेस, कि उसका अपॉइंटमेंट किस बेस से हुआ है। अगर उसका अपॉइंटमेंट एयर इंडिया यहां के इंडियन बेस से हुआ है तो ऐसे केस में जो है वो जा भी रही तो वो एम्प्लॉयमेंट का पर्पस नहीं, वो एम्प्लॉयमेंट इंडिया का रहेगा, वो दूसरे कंट्री एम्प्लॉयमेंट पर्पस से नहीं जा रही है। लेकिन यही अगर उसका जो है वो बाहर की एयरलाइंस में हुआ है, अब ज्यादा कॉम्प्लिकेट होगा, थोड़ा छोड़ दीजिए, कुछ प्रोफेशनल में भी आएंगे तो बात कर, वरना मेरा दुकान अभी बंद हो जाएगा, आप ही आएंगे। हाँ, एम्प्लॉयमेंट आईएएस ऑफिसर है वो इंडिया का बेसिकली अगर है और वहां पे वो गया है और जाने का दिन अगर 182 डेज नहीं हुआ है तो वैसे केस में वो पीआरओआई रहेगा। पहले हर केस में क्या होना चाहिए, तभी तो आपको बताऊंगा कि अगर कोई डिप्लोमैट है और वो इंडिया से बाहर एक्वायर करना चाहे प्रॉपर्टी तो कर सकता है या नहीं। देखेंगे, पीआरओआई के लिए अलॉट होगा तभी वो खरीद पाएंगे, वरना नहीं खरीद पाएंगे। कोई भी है, इंफोसिस में काम करता है बंदा, 2 साल से वहीं पे है, तो मुझे बताइए पीआरओआई निकलेगा या नहीं निकलेगा? तो पीआरओआई होना गुनाह थोड़ो ना है, उसके ऊपर प्रोविजन किसके लगेंगे? पीआरओआई के। और देखिएगा क्या प्रोविजन उसमें किस किस के लिए पड़े, जो पीआरओआई के लिए करना रहेगा वो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। चलिए अब अगर हम लोग आए तो इसमें एक चीज बचा और वो हमारा जो है वो कौन है? वो हमारा है अदर देन कौन सा? इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल अगर नहीं है तो चाहे वो रजिस्टर्ड होगा चाहे क्या होगा, इनकॉर्पोरेट, यही दो वर्ड बोलते हैं ना हम लोग। रजिस्टर्ड किसको बोल देते हैं? जैसे पार्टनरशिप फर्म हो गया, ट्रस्ट हो गया, और बाकी कंपनी के केस में कौन सा वर्ड यूज करते हैं? मतलब आसान सा है, यहां के लॉ के अकॉर्डिंग है या बाहर के लॉ के अकॉर्डिंग है, और ये बड़ा आसान दिया हुआ है, इसमें इतना कचरा नहीं है जितना इंडिविजुअल में, क्योंकि सबसे कॉम्प्लिकेटेड तो इंडिविजुअल है ही,
तो इसीलिए वो था। यहां कह रहे एनी पर्सन बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेट इन इंडिया, तो क्या माना जाएगा? एनी ऑफिस ब्रांच ऑफिस या एजेंसी जो है वो इन इंडिया है, इंडिया में ब्रांच ऑफिस, लेकिन कंट्रोल्ड बाय होम, ये बात ध्यान से समझिएगा। ब्रांच ऑफिस इंडिया में कंट्रोल्ड बाय PROI, क्या मतलब है? बहुत सिंपल सा है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, तो माइक्रोसॉफ्ट या गूगल जो है वो PRI या PROI का, ये तो आसान है, इंफोसिस PRI TCS, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का बैंगलोर में भी तो ब्रांच ऑफिस है। अब हम उस ब्रांच ऑफिस का स्टेटस जानना चाहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का नहीं, माइक्रोसॉफ्ट का स्टेटस क्या है? इंफोसिस का, लेकिन इंफोसिस का भी तो USA में ब्रांच ऑफिस है, तो अब हमें उसका ब्रांच ऑफिस जानना है। तो कहा जानो, यहां पे इन्होंने अपनी दुष्टता दिखला दी, फेमा बहुत ही दुष्ट तरह का एक्ट बना, एकदम शानदार, हमने सबसे चुन चुन के बदला लिया। देखिएगा ना, जहां पे हमें लगता है कि फॉरेक्स आने वाली बात है, फायदे वाली बात है, बोलते ले लो ऑटोमेटिक अप्रूवल, नो परमिशन रिक्वायर्ड। जहां पे थोड़ा गड़बड़ लगे प्रायर अप्रूवल, करेंगे बात, आपको बड़ा मजा आएगा, आपको अपने जैसा एक्ट दिखेगा, जैसे आप वैसे ही लगा, अरे ये एक्ट तो शायद मैंने ही बनाया है, तारीफ कर रहा हूं आप लोगों की, कि आप ही ने जैसे फेमा बनाया हो वैसा इसमें फील होगा। तो अगर हम बात करें कि कंट्रोल्ड बाय PROI, इसका मतलब है कि हैदराबाद में ब्रांच ऑफिस है, बैंगलोर में ब्रांच ऑफिस है, लेकिन वो ब्रांच ऑफिस कंट्रोल्ड बाय होम, माइक्रोसॉफ्ट इनकॉर्पोरेटेड USA, और स्टेटस क्या है उसका? ठीक है, एनी ब्रांच ऑफिस एजेंसी आउटसाइड इंडिया ओन्ड कंट्रोल्ड बाय इंफोसिस इज PRI, बट द ब्रांच ऑफिस लोकेटेड एट USA न्यूयॉर्क, वो ब्रांच ऑफिस का स्टेटस क्या होगा? ठीक से देखिए, वो भी क्या होगा? कह रहे हैं कि या तो कंट्रोल करने वाला PRI हो, भले हो कहीं पे भी, या फिर जो है चाहे वो कंट्रोल करने वाला PROI हो लेकिन है हमारे सर जमीन पे, तो भी उसे क्या बोलेंगे? आएंगे PRI के दायरे में, तब ना हम अपना वाला रूल लगाएंगे, यहां वाला जैसा ट्रीट करेंगे। कहने का मतलब है कि माइक्रोसॉफ्ट PROI, माइक्रोसॉफ्ट का ब्रांच जो बैंगलोर में है, वो किस बेसिस पे? क्योंकि हमने बोला है कि लोकेटेड इन इंडिया तो भी PRI, और कंट्रोल्ड बाय PRI इवन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया तो भी क्या होगा? क्लियर है सारे भक्तजनों होनहारों? क्लियर है या दोबारा बोलूं? पहला चीज, रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, इन इंडिया है तो PRI, नहीं तो क्या है? PROI है। माइक्रोसॉफ्ट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, इसीलिए क्या है? TCS इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, तो क्या है? रजिस्टर्ड ट्रस्ट सोसाइटी, सबके लिए सेम कहानी, लेकिन ब्रांच ऑफिस को लेकर के बोला गया या तो इंडिया में लोकेटेड हो या उसको कंट्रोल करने वाला, अगर इंडिया से बाहर भी लोकेटेड है तो कंट्रोल करने वाला कौन होना चाहिए? PRI। क्लियर है? क्लियर है? तो अपने जो है वो नोट्स में जो है जो दिया हुआ है उसको फिल कीजिए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? CS लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, ब्रांच ऑफिस इसका जो है दिल्ली बेंगलोर न्यूयॉर्क लंदन है। आप उसके ठीक नीचे लिखते जाइए स्टेटस क्या हुआ, इसका 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 इसका, और सीधी इंक इनकॉर्पोरेटेड इन USA। अब इसका जो है वो बताइए, यानी आपको जो बताना है वो 1A का क्या आंसर है, 1B का क्या आंसर है, 1C 1D और ऐसे ही 2ABCD का आंसर बताना है। जल्दी से करके रखिए, उस पर फिल कीजिए। चलिए 1A का जो है वो आंसर क्या होगा? क्यों PRI? क्योंकि इस बार तो कमाल है भी इंडिया में एंड कंट्रोल बाय, तो ये तो जबरदस्त PRI, ऐसा कोई वर्ड नहीं, इसलिए हमने नहीं लिखा जबरदस्त PRI, सिर्फ क्या लिखेंगे ये नहीं अपने मन से ब्रैकेट में, जबरदस्त PRI की दो दो कंडीशन हो जा रहे हैं। बैंगलोर 1B, ये भी जबरदस्त वाला ही है। न्यूयॉर्क वाला ये किस लिए? कंट्रोल बाय होम, ठीक है, तो ये भी हो गया PRI। लंदन वाला, चलिए अब अगर हम बात करें 2A का,
क्यों भाई इन कंट्रोल बाय पीआरओ आई है सो ब्रांच लोकेटेड इंडिया में इसीलिए क्या हो गया पीआरआई बेंगलोर वाला ये भी पीआरआई न्यूयॉर्क वाला अब ना है पीआरआई कंट्रोल करने वाला भी पीआरओ आई और है भी कहां इंडिया से तो क्या हो गया और लंदन वाला पीआरओ आई अब हम अभी तक सिर्फ इतना समझे हैं फेमा में कि कौन है पीआरआई और कौन है और फेमा ने पहले ही बोला कि पूरे जो है वो हमने सिविलाइजेशन को पूरे ब्रह्मांड को सिर्फ दो ही पार्ट में बांटा या तो ब्रह्मांड में कोई भी तिनका कोई भी ग्रह कोई भी नक्षत्र है तो वो या तो पीआरआई है या क्या है लेकिन यही पीआरआई और ये पीआरओआई जो है वो क्या करेंगे ये पीआरआई और पीआरओआई जो है वो दो ही तरह का जो है वो काम के लिए फॉरेक्स का इस्तेमाल करेंगे उस काम को इन्होंने नाम दिया है कि या तो वो कैपिटल अकाउंट होगा या क्या होगा नाम दे दिया उस काम के लिए जिस काम के लिए फॉरेक्स ले रहे हैं वो या तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होगा या क्या होगा तो हमने बोला अब बता दो ये भी तो इसने बोला मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है मैं नहीं बताऊंगा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या है तो हमने बोला ठीक है और अच्छा है इसका मतलब हमें करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन पढ़ना हम बस ये जान जाएंगे कि ये ट्रांजेक्शन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन तो उसके अलावा और किसी भी काम के लिए अगर हम फॉरेक्स लेंगे तो क्या कहलाएगा करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन कहलाएगा तो अब जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है कहा कि तो बताओ भाई शुरू करो बताना कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन किसको कहेंगे एकदम ध्यान से समझिएगा तो कहा कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन को जो है दो पार्ट में बांटा है एक मीन्स और एक क्या इंक्लूड कहा मीन्स का मतलब क्या होता है कहा मीन्स का मतलब मीन्स होता है बताएंगे कि ऐसा होगा तो इसको हम ये चीज कहेंगे और कहा फिर इंक्लूड का मतलब कहा इंक्लूड में कुछ बताते नहीं है कि ऐसा होगा तो कहेंगे इंक्लूड का मतलब होता है लिस्ट को देख लेना अगर लिस्ट में है तो उसको और कुछ चेक करने की जरूरत कि वो डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है और मीन्स का मतलब तो मीन्स में बताएंगे कि क्या डेफिनेशन है उसको फुलफिल करेगा तो आप उसे बोलिए कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन और बोला इंक्लूड में तो बोला कुछ मत देखो इंक्लूड में जाकर के बस देखो है शामिल तो क्या कहेंगे उसे कैपिटल अकाउंट फिर कह रहा हूं कंफ्यूज मत होइएगा वो काम जिस काम के लिए आप जो है वो फॉरेक्स का इस्तेमाल करेंगे उस काम को दो पार्ट में बांटा गया है एक को कैपिटल और एक को करंट बोला जाता तो आसान रहता वो जो ट्रांजेक्शन वर्ड है वो आपको बस परेशान ना करे तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन का मतलब हुआ जिस काम के लिए आप फॉरेक्स निकाल रहे हैं वो या तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन होगा या क्या होगा तो कहा कौन सा वाला कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन होगा तो कहा कि ये मीन्स में और इंक्लूड में मीन्स समझा रहा हूं और इंक्लूड में समझना नहीं उस लिस्ट में देख लो दिख रहा है हाँ तो कुछ मत चेक करो नहीं उस लिस्ट में नहीं है आओ किसमें चेक करते हैं मीनिंग में देखते हैं कि क्या उसको डिफाइन कर रहा है उल्टा चला जाता है हमेशा पहले किसको देखिए पहले लिस्ट को देख लीजिए ऑलरेडी लिस्ट में मिल गया तो मीनिंग निकालें चल इसका मीनिंग निकलता है या नहीं डायरेक्टली उसे क्या कह देंगे कैपिटल अकाउंट लेकिन मी आपका जो है वो इंक्लूड में नहीं मिला पॉसिबल तो उसको बोल दें कि ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं है क्या करना पड़ेगा मीन्स में आके देखिए जैसे डिफाइन किया है तो देखिए डिफाइन कैसे किया गया है कहा गया कि दो ही तरह के लोग डील करेंगे या तो वो क्या होगा या क्या होगा तो अब कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता इंडिविजुअल है कंपनी मैं वर्ड क्या बोल रहा हूं जहां पे मुझे इंडिविजुअल बोलना रहेगा वहां मैं पीआरआई इंडिविजुअल बोलूंगा और अगर कुछ नहीं बोला तो इसका मतलब कंपनी फैक्ट्री चूल्हा चक्की सबके लिए है जो भी क्या है पीआरआई है तो यहां पीआरआई बोल रहा हूं या पीआरआई इंडिविजुअल बोल रहा हूं इसका मतलब कोई भी पीआरआई इसका मतलब कंपनी भी हो सकता है और इंडिविजुअल भी आप इंडिविजुअल को लेकर के समझेंगे तो समझना आसान रहेगा वैसे हम लोग कंपनी लेकर के भी बात कर लेंगे अगर कोई पीआरआई है तो पीआरआई के केस में देखिए आउटसाइड इंडिया पीआरआई के केस में क्या देखिए आउटसाइड इंडिया क्या कर रहा है तो आउटसाइड इंडिया एसेट या लायबिलिटी को या तो इंक्रीज कर रहा है या क्या कर रहा है यानी अगर कोई पीआरआई है इंडिया से बाहर एक मकान खरीद रहा है तो उससे एसेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज टफ है थोड़ा सा लेकिन कोशिश कीजिए
अगर कोई जो है वो PRI इंडिया से बाहर जो है मकान खरीद रहा है तो अपना एसेट इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज? इंक्रीज कर रहा है। अगर वो एसेट बेच रहा है तो इसका मतलब खरीदते वक्त जो फॉरेक्स लगेगा वो भी हुआ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, और बेचने पे जो फॉरेक्स आएगा वो भी क्या होगा? इसका मतलब फेमा बोलेगा कि वो कितना पैसा लेके जाओगे, कौन सा परमिशन लोगे, और वो पैसा कैसे इंडिया लेकर के आओगे, यही सब बात तो बोलेगा कौन? पहले तो वो बोल रहा, पहले सुन तो लो कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के दायरे में आ गए तो इसी के लिए तो रेगुलेशन आपका दिया हुआ है कि कौन जो है वो इंडिया से बाहर खरीद सकता है, कि अच्छा बेचा तो कितने दिन में पैसा इंडिया में लाएगा, रियलाइजेशन रिपैट्रिएशन एंड सरेंडर ऑफ फॉरेक्स सब पढ़ना रहेगा, इसमें सब आएगा। तो फिलहाल एसेट लायबिलिटी समझ गए, अब जरा लायबिलिटी में देखें। अगर इंडिया से बाहर कर्ज लिया तो ले सकते हैं या नहीं इंडिया से बाहर कर्ज? इंडियन कंपनी है, इंडिया के बाहर के बैंक से कर्ज लिए तो लायबिलिटी नहीं बढ़ा? अगर बढ़ा और कल को कर्ज चुकता कर दिए तो देखिए इंक्रीज हुआ तो भी डिक्रीज हुआ तो भी, ये क्या कहलाएगा? अब ये करना है नहीं करना है तो आगे देखेंगे, फिलहाल इसका नाम क्या पड़ा? अब आप मुझे बताइए एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग जो आपका एक चैप्टर ही है, जो फेमा से क्यों उसको रोक करके इसको बता रहा हूं, सेंस समझ में आएगा कि इंडिया के बाहर से कर्ज ले रहे हैं तो हम PRI हैं, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन हुआ, कितना हमारे लिए अलॉट है क्या है, सबके तार यहां से जुड़े हैं। इंडिया के बाहर पैसा लगाना है, इंडिया के बाहर क्यों पैसा लगाना है? बिजनेस करना है तो इंडिया के बाहर एसेट एक्वायर करेंगे, तो आप PRI हैं, इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया है, इंडिया से बाहर ऑफिस लिया, एसेट इंक्रीज किया या नहीं किया, तो कुछ रूल लगेगा या नहीं फेमा का? इसीलिए जो है वो इसी के बेस पे वो सारा है, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, ADR, GDR, सब में क्यों बोला था? फेमा के तहत रहेगा। देखिएगा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग थोड़ा सा आपको पढ़ाया था, अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस ना हो तो CMSL में शुरू शुरू में ही, और बोला भी था कि इसके बारे में और बातचीत करेंगे, तो अब इसका समय आ जाएगा जब एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे ECB पे कि कितना क्या करेंसी में कन्वर्जन, बहुत सारी चीजों को। चलिए अगर कोई PROI है तो PROI के केस में बोला कहां पे? इंडिया। PRI के केस में कहां? और PROI के केस में? PROI के केस में इन इंडिया, PRI के केस में बाकी कहानी सेम। एसेट या लायबिलिटी क्या करे, इंक्रीज या डिक्रीज करे तो क्या कहलाएगा? कैपिटल अकाउंट। कैसे करेगा ये नहीं बताया, अभी बस मैंने आपको बोला कि सब्जी जो है वो खाने वाली चीज है, ये नहीं बोला चम्मच से खाइए, कैसे खाइएगा, कैसे पकाइएगा, ये सब नहीं बोला, पकाना नहीं सिखाया, सिर्फ और सिर्फ ये बोला कि ये जो है वो सब्जी है जो खाने की चीज है, पकाएंगे कैसे वो बाद में, ये करेंगे कैसे वो तो अलग है, परमिशन लेंगे कैसे करेंगे, पहले नाम तो उसका देंगे, तो ये क्या कहलाया? कैपिटल अकाउंट। यानी इंडिया के बाहर का कोई बंदा जो इंडिया आज तक आया ही नहीं है, क्या वो इंडिया में मकान वगैरह नहीं लेते हैं? करेंगे बात, कब लेते हैं कब नहीं लेते हैं देखेंगे। तो अगर कोई PROI है तो कहां पे देखेंगे? इंडिया। अगर PRI है तो इंडिया के बाहर की भी कंपनी इंडिया में IDR इशू करती है, इंडिया से बाहर की कंपनी इंडिया में बैंक से कर्ज लेती है, इसका मतलब वो भी तो लायबिलिटी और कर इंक्रीज डिक्रीज कर रही है, ऐसे ही वो इंडिया में अपना ऑफिस लेगी, एसेट लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज की या नहीं की? वरना कैसे, फॉरेन कंपनी आपने पढ़ा है सेटिंग अप में, और कंपनी लॉ में तो आप एक्सपर्ट हैं, वहां पे ऑलरेडी पढ़ा ही है, लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको सेटिंग अप में भी बताया था, उतना काफी है, उतने के बेसिस पे बड़े आराम से काम कर सकते हैं। उसमें हमने पढ़ा है इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, व्हेन इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया PRI और PROI फेमा के अकॉर्डिंग, और हमारे कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग पहले इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, हैविंग वन प्लेस ऑफ प्रॉफिट इन प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। तो जब बिजनेस करेंगे तो ऑफिस भी तो लेंगे, तो लिया ना एसेट वगैरह, तो आ गया इसका भी हिस्सा या नहीं आ गया, ये भी मुंह उठा के आएगा, बोलेगा मुझे भी कुछ कहना है, कहने दीजिए इसे भी। तो क्या हमारे लिए कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन क्लियर है?
वर्ड हम यूज कर रहे हैं PRI PROI, और जो हमें पता है इंडिविजुअल भी पता है और एंटिटी भी पता है। तो अगर कोई PRI है तो आउटसाइड इंडिया, अगर कोई PROI है तो इन इंडिया। एसेट या लायबिलिटी को या तो इंक्रीज करता है या सिंपल सी बात है खरीदते वक्त भी लगेगा, हेमा कुछ बोलेगा, और बेचते वक्त भी। कर्ज ले रहे हैं तो भी कुछ बोलेगा, कर्ज चुकता कर रहे हैं तो भी कुछ बोलेगा। तो इंक्लूड का मतलब कुछ नहीं है, जाइए और लिस्ट को क्या कर लीजिए। अगर उस लिस्ट में, तरीका यही है कि अगर उस लिस्ट में है तो वो क्या हो गया, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। नहीं है लिस्ट में तो काम का नेचर देखिए, क्या काम का नेचर ऐसा है, ट्रांजैक्शन का नेचर ऐसा है कि एसेट लायबिलिटी इंडिया या इंडिया से बाहर क्या हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, तो चेक कीजिए PRI है। हाँ PRI है, ये पहले ही चेक कर चुके हैं। इंडिया में क्या रहा है इसका कोई मतलब नहीं है। PRI के केस में कहां देखिए, अगर कोई PRI है इंडिया में एसेट लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है तो कहा कि वो फेमा का पार्ट वो PRI और PROI के केस में रहा, लेकिन आगे जो उस पर फेमा नहीं लगेगा क्योंकि वो कैपिटल या करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन होना चाहिए तभी फेमा आगे बढ़ेगा। क्लियर है। पहला काम लिस्ट चेक करना, सबसे पहला काम तो PRI या PROI डिटरमाइन करना, फिर चेक करना है कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है या, और उसके लिए पहले क्या देखेंगे लिस्ट। अगर इस लिस्ट में दिख गया तो चेक करें वेदर लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है या नहीं। बोला नहीं, ये कब आया, कंफ्यूजन आया लोगों को कि ये एसेट का बढ़ना माना जाएगा या नहीं। मामला जुडिशरी में पहुंचता है, उन्होंने लिस्ट दे दिया, बोला भाई इसी में आप लोग को कंफ्यूजन है, तो चलो इसको किसमें डाल दिया, लिस्ट में, इंक्लूड में डाल दिया। ऐसा कोई ट्रांजेक्शन है तो उसको मीन्स में चेक करने की जरूरत, अरे इससे एसेट लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, PRI है इंडिया से बाहर हो रहा है या नहीं, ये चेक करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए जरा पहले जो लिस्ट है उस लिस्ट को देखिए, ट्रांसफर और इश्यू ऑफ एनी व्हाट सिक्योरिटीज, कौन, PRI फॉरेन सिक्योरिटी ट्रांसफर कर रहा है या क्या कर रहा है, इशू कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, तो क्या करें, बैन कर दें। का ये कब बोला है, अगर इंडिया से बाहर, अगर इंडियन कोई कंपनी है और इंडियन कंपनी जो है वो ADR GDR इशू कर रही है तो मुझे बताइए आ गया या नहीं, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होगा या नहीं। तो कहा कैसे किया जाएगा, इसके गाइडलाइन होंगे, ये नहीं है कि नहीं करना है क्या करना है, वो तो आगे देखेंगे, पहले सिर्फ जमा कीजिए कि ये ट्रांजैक्शन क्या कहलाएगा, और उसके बाद आपको बताया जाएगा कि कौन PRI करेंगे कौन, और कौन जो है वो नहीं करना है, प्रोहिबिटेड। ट्रांसफर और इशू ऑफ सिक्योरिटीज बाय PROI, ट्रांसफर और इश्यू ऑफ एनी सिक्योरिटीज, और कौन सा सिक्योरिटी, कुछ नहीं, फॉरेन सिक्योरिटी का मतलब रहता है कि वैसा सिक्योरिटी विच हैज बीन इश्यूड बाय विच कंपनी, चाहे वो इक्विटी हो, प्रिफरेंस शेयर हो, चाहे क्या हो, यही आपका जो है वो फॉरेन सिक्योरिटी है, जो आपके लिए जो है वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वाले जगह पे लिखा हुआ है, मैंने अपने लिए अपने जगह पे लिखा है, और आपको कहां पे दिख जाएगा, जहां से आपने पढ़ना शुरू किया था वहां पे जो है वो हिस्ट्री और आर्किटेक्चर, उसके तुरंत बाद आपको इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में ये सब दिख जाएंगे। तो फॉरेन सिक्योरिटी दिख गया आपको, शेयर स्टॉक बॉन्ड डिवेंचर जो हमने पढ़ा है, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट इशू किया है कंपनी ने और वो जो है वो फॉरेन सिक्योरिटीज में इशू है तो भी, और रिडीम हो रहा है इंडियन करेंसी में तो भी, इशू करने वाली फॉरेन कंपनी है तो क्या कहलाएगा, फॉरेन सिक्योरिटीज कहलाएगा। ऐसे ही अगर हम फॉरेन एक्सचेंज बोले तो कहा, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब एनी करेंसी अदर देन व्हाट इंडियन करेंसी इज कॉल्ड फॉरेन करेंसी, और फॉरेन करेंसी का ही नाम क्या है, फॉरेन एक्सचेंज है। और ये इसीलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि इसमें जो है अगर आपने कोई ड्राफ्ट बनाया लेकिन वो डिनोमिनेटेड किसमें है, फॉरेक्स में, वो भी फॉरेन करेंसी। ट्रेवलर्स चेक क्या होता है, ट्रेवलर्स चेक इंडिया से बाहर घूमने जाना चाह रहे हैं लेकिन कैश में डर लग रहा है कि कहीं गिर जाए कोई छीन ले, तो आपने जो है वो ट्रेवलर्स चेक बना लिया। और इस ट्रेवलर्स चेक की खासियत है बनाएंगे इंडिया में ही, अपने साथ रखेंगे, आप वहां के बैंक में जाएंगे और वहां जाकर के जो है वो आपसे साइन कराएगा और आपको फॉरेक्स दे देगा। अगर ये आपका गिर भी गया तो कोई बात नहीं, कोई और इसको इनकैश नहीं कर सकता है किसके अलावा, लेकिन अगर कैश गिर जाए, आप लेके गए डॉलर वो गिर जाए तो लोग उसको सूंघ करके आप तक पहुंच जाएंगे कि ये इसी आदमी का है, इनको दे दिया जाए, ऐसा होगा
नहीं ऐसा कैसे होगा, उसको उठाएंगे तो उसमें आपका फोटो आ जाएगा और बगल में जो है वो फोन नंबर ट्वीं ट्वीं ब्लिंक कर रहा होगा, ईमेल एड्रेस ये सब आ जाएगा। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो फॉरेन एक्सचेंज क्लियर है, फॉरेन सिक्योरिटी क्लियर है, बस डेफिनेशन था बात कर ली। और करेंसी नोट का मतलब क्या हो गया, करेंसी नोट का मतलब अगर कहीं हम लोग बोले तो कैश इन फॉर्म ऑफ क्वाइन, बैंक नोट, मनी बैंक नोट, अदर पेपर, जो किसी भी तरीके से मीडियम है पैसे को क्या करने का, एक्सचेंज करने को, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, करेंसी। जैसे हमारे यहाँ 10 रुपया 20 रुपया 1 रुपए का सिक्का, वो सब जो है वो किस में आ जाता है, करेंसी नोट्स में, यानी कि इंक्लूड्स क्वाइन एज वेल। तो यहां पे डिपोजिट बिटवीन PRI एंड, बता पाएंगे ये क्या मसला हुआ, सेक्शन 73 से सेक्शन 76 पब्लिक डिपोजिट। अगर एक कंपनी है और वो कंपनी इंफोसिस है, उसने इंडिया से बाहर वालों को बोला कि क्या कीजिए, पब्लिक डिपोजिट कीजिए, तो ये क्या हो गया, करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। उल्टा इंफोसिस ने बोला कि आप अनसिक्योर्ड में हमारे पास पैसे जमा कर सकते हैं, पब्लिक डिपोजिट, तो भी ये क्या कहलाएगा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड होल्डिंग ऑफ करेंसी, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कीजिएगा तो भी वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कहलाएगा, पढ़ाऊंगा उसको क्या रूल है उसको लेकर के। और अगर आप करेंसी अपने पास रखते हैं तो भी क्या कहलाएगा, इसको भी पढ़ेंगे कि कितना करेंसी तक अपने पास रख सकते हैं, इंडियन नहीं, जब भी मैं यहां बात कर रहा हूं कौन सा, फॉरेन करेंसी, कितना फॉरेन करेंसी आप रख सकते हैं, डॉलर पाउंड ये सब मिला करके कितना रख सकते हैं। जैसे पैसे आप कितना भी घर में कैश में रखिए, कोई रोक टोक नहीं है, कोई लॉ नहीं है, हाँ गड़बड़ वाले ब्लैक मनी वाले नहीं होने चाहिए। आप सारा पैसा जो है वो बैंक से निकाल लेते हैं, मान लीजिए दिशा के पास 20 करोड़, बोलते ना आज तो मैं गिनूंगी ही कि बैंक वाले ने ठीक से रखा था या नहीं, घर में ले आए तो क्या ये कॉन्ट्रावेंशन है। अगर ये 10 करोड़ 20 करोड़ जो भी इनके पास है, अगर इस पे टैक्स गया हुआ है, कमाने का सोर्स क्लियर है, तो ये कहीं कोई गुनाह। लेकिन अगर आपके पास जो है एक खास लेवल से ज्यादा का डॉलर पाउंड निकल गया तो ये ऑफेंस है, भले बिल्कुल व्हाइट मनी से लाया हुआ क्यों ना है, ये क्या माना जाएगा, ऑफेंस। करेंगे बात कितने केस में। ट्रांसफर ऑफ इन्वॉल्व प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, आप बोलेगा सर ये तो मीन्स में आ ही गया कि कोई PRI है और इन्वॉल्व प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, आउटसाइड इंडिया क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। तो बोलेगा सर ये तो मीन्स था ही, ये तो साफ क्लियर है। बोला नहीं थोड़ा इश्यू आया, क्योंकि जब मकान जब खरीद बेच रहे हैं तो ट्रांसफर कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन लीज पे दे रहे हैं तो क्लैरिटी नहीं आ रही थी। तो उन्होंने बोला कि लीज का पीरियड जो है वो अगर आपका जो है वो क्या है 5 साल तक का है तो नहीं, लेकिन भले किसी को किराए पे ही दिया है, लीज पे ही दिया है, कितने साल के लिए 5 साल से, तो ऐसे केस में कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन जो है वो कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। ऐसे ही उल्टा अगर कोई PRY है, उसका इंडिया में कोई मकान है, बेच नहीं रहा है, बेचता तब तो मींस में आ ही जाता, एसेट लायबिलिटी क्या करना है, इंक्रीज डिक्रीज करना, बेचा नहीं है, रेंट पे दिया है, ना एसेट इंक्रीज हुआ ना क्या हुआ, तभी तो कंफ्यूजन हुआ, तो कहां पे डाला, इंक्लूड में डाल दिया, लिस्ट में डाल दिया कि कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, बशर्ते कितने दिन का लीज है, 5 साल या 5 साल से ज्यादा, 5 साल से ज्यादा है तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, नहीं है तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं होगा। अगर कोई गारंटी दे रहा है, PRI का गारंटी कौन, PRI और PRY का गारंटी PRI। लोन वगैरह आपने लिया है, आपने लोन लिया है और गारंटी कौन दे रहा है, ऐसा क्या सिचुएशन हो सकता है, मान लीजिए कि लोन जो है वो भूमिका ने लिया, लेकिन इन्होंने इंडिया के बाहर के बैंक से लोन लिया, बैंक कैरी गारंटर, तो ये कह रहे हैं अरे आज गुप्ता जी भी नहीं आए हैं, क्या ज्यादा बीमारी का मौसम चल रहा है क्या, जिसको देखता हूं एक एक दिन पे बीमार हो जा रहे हैं आप लोग, तो च्यवनप्राश वगैरह खाया कीजिए, ठंड आ रहा है तो शायद उससे आप स्वस्थ रहें। तो मान लीजिए कि भूमिका जो है वो कर्ज ले रही है इंडिया के बाहर के बैंक से, इन्होंने सोचा कर्ज भी लेंगे तो इंटरनेशनल का, ठीक है, तो वहां के बैंक ने बोला गारंटर कर्ज लेते हैं तो लेता है ना, तो ये गारंटर के तौर पे जो है वो कहते हैं लो उन्नति है, तमन्ना है, तमन्ना है, तो तमन्ना को जो बोला कि ये मेरे गारंटर, बैंक बोला नहीं इना चलवे, कहा क्यों,
क्योंकि जो है वो भी इंडिया में वो भी पीआरआई है, तो कह रहे कि ना पीआरआई का दो क्योंकि यूएसए में ले रहे हैं। ये कह रहे हैं नेगी जी वहीं बस गए, सिटीजनशिप ले लिया। अब अगर ये क्या करते हैं, गारंटी देते हैं, तो दिस ट्रांजेक्शन किसी ने ना पैसा लिया ना पैसा क्या किया है, दिया है, बट दिस शैल कंसिडर अंडर वॉट, क्या कहलाएगा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। उल्टा ऐसे ही अगर जो है वो पीआरओआई ने जो है वो एसबीआई से कर्ज लिया, एसबीआई ने बोला हमें दो यहां का गारंटर, उस केस में जो है वो नेगी जी ना चल बे, अब कौन चलेंगे, उन्नति चलेंगे। तो वैसे केस में जो है वो बोला गया ये क्या कहलाएगा, मैं गलत नहीं ना बोल रहा हूं, देख किसी और को रहा हूं बोल के, तमन्ना। अच्छा तो ये गड़बड़ हो जा रहा है, वो लुक लंदन और टर्न टोकियो वाला हाल हो जाएगा, तो वो नहीं होना चाहिए। तो जो थोड़ा टेढ़ा देखते हैं उनके लिए ये वर्ड यूज होता है कि लुक लंदन और टर्न टोकियो, ये एक फ्रेज है बेसिकली इंग्लिश का। तो ये जो है पीआरओआई का गारंटी कौन दे रहा है, और पीआरओआई का ये दो नाम के साथ और होता है, एक प्रीति और प्रिया के साथ, देख रहा होता हूं मुझे, क्योंकि जिसको देख रहा हूं वो तो कुछ हाँ, लेकिन जिसका नाम कह रहा हूं वो कुछ खास तरीके से देख रहे होते हैं कि यहां नाम मेरा और वहां पे जो है वो डायरेक्शन कुछ और चल रहा है। चलिए तो ये है लिस्ट, पहले किसको चेक करेंगे, अगर लिस्ट में दिख गया तो कोई बात नहीं है, लिस्ट में दिख गया तो क्या हो गया, कैपिटल अकाउंट। नहीं दिखा लिस्ट में कहां आएंगे, आएंगे मींस में, मिल गया मींस में, मिल गया क्या बोलेंगे, नहीं ना लिस्ट में ना मींस में, तो इसका मतलब कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। और जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं है वो क्या है, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है। यहां पे कहा गया कि इस ट्रांजेक्शन को हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं माने, क्योंकि कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के रूल बड़े स्ट्रिक्ट हैं। रूल क्या है, और ये दोबारा भी रिपीट होगा आगे जब लिस्ट बताऊंगा, तो कहा कि इसको मत मानना कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। कहा किसको, कहा है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन लेकिन नहीं मानना, तभी तो एक्सेप्शन है। कहा क्या, कहा कि मान लीजिए कि कोई एक पर्सन है और वो जो है वो माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं लेकिन बैंगलोर में 5 साल से पोस्टेड है, पॉसिबल। अब आप इनका स्टेटस निकालेगा तो ये पीआरआई निकलेंगे या पीआरओआई, कितना सोचना पड़ रहा है, पीआरआई या पीआरओआई। अरे भाई क्या तरीका है, प्रीवियस ईयर देखा तो 5 साल से ही रह रहे हैं, तो 182 डेज से ज्यादा हो गया, और रहने का वजह है इंप्लॉयमेंट, यही तो लिखा हुआ है, इंप्लॉयमेंट है रहने का वजह, कह रहे इंडिया से बाहर ना गए, 5 साल से गया ही नहीं है, तो हर चीज को तो फुलफिल कर रहा है, तो उसका स्टेटस नहीं हो गया पीआरआई का, सिटीजन इंडिया से बाहर का स्टेटस क्या हो गया। अगर इसके मकान वगैरह कहां होंगे, अब ये बताइए, प्रॉपर्टी वगैरह जमीन जायदाद सब कहां है, यूएसए में, अब इसको पैसे की जरूरत है। दूसरा सिचुएशन, यहां का कोई बंदा है वो इंफोसिस में काम करता था, 5 साल से यूएसए में पोस्टेड है, पॉसिबल। अब उसका यहां पे सारा जमीन जायदाद, दादाजी का प्रॉपर्टी जो भी मिला विरासत से लेकर के अपना खरीदा हुआ सारा चीज तो यही है, उसका स्टेटस पीआरआई या पीआरओआई, पीआरओआई। अगर यहां के प्रॉपर्टी को बेचेगा या खरीदेगा कुछ करेगा तो क्या माना जाएगा, और मैंने बोला कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कुछ नहीं, थोड़े से इसके प्रोविजन क्या होते हैं, ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, क्योंकि ये ज्यादा सीवियर इन नेचर होते हैं। तो कहा कि ठीक है, अब देखिए इन सब चीजों में कहीं पे ये आया, साबुन खरीदने के लिए पैसे लिया तो इसका मतलब ये किस में आएगा, करंट अकाउंट नहीं, साबुन एसेट में नहीं आएगा, तो ये कोई एसेट नहीं है, इसीलिए जो है ये किस में आएगा, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। केएफसी के वहां के किचन से मंगा करके आप खाएंगे चिकन, अब करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में आएगा। क्रीम रगड़ेंगे तोपेंगे, यहां वाला नहीं, सीधे कहां वाला, बाहर से ही मंगाएंगे, तो भी क्या हो गया। चलिए अब जरा यहां पे आइए, बात ये थी कि कोई बंदा है जो कि यूएसए में जो है वो पोस्टेड है, किस कंपनी में है, इंफोसिस में, 5 साल से वहां है। अब यहां पे जो है वो बहन की शादी करनी है, क्या नाम था थ्री इडियट में, कम्मो की शादी करनी है ना, कम्मो ही नाम था ना, हाँ,
और बड़ा दिखलाता, जब भी उसको दिखलाएगा वो हमेशा ऐसे कर खिड़की से देख रहे और ब्लैक एंड व्हाइट कर देगा, जैसे उस पर आप पहाड़ टूट गया है, शादी नहीं हुई। और लड़के वाले जो है मारुति 800 मांग रहे हैं। अब ऐसे केस में एक तो रिश्ता हुआ, अब कुछ बेचना है यहां का। जरा सोचिए, कह रहे हैं कि अगर वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में होगा तब तो कमो शादी की उम्र के बाहर प्रोसेस में। अगर कोई बीमार है, पैसे चाहिए, कहा अगर पैसे चाहिए तो उस केस में जब तक कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन वाले में प्रोसेस टफ है, सीवियर इशू है, तो वैसे में जो है वो कोई बीमार है तो इलाज की जरूरत नहीं रहेगा। जब तक सारा प्रक्रिया से गुजरेंगे तब तक वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, अब उसे जीवन में कभी कोई दुख तकलीफ। और ऐसा उल्टा उधर वाले के साथ भी हो सकता है बंदा जो है वो यहां, लेकिन सारा प्रॉपर्टी तो उसका वहां है, वो वहां बेचना चाहता है। जॉन है, थॉमस है, एडमिशन लेना है स्कूल में, तो कह रहे हैं कि तब तक वो जो है वो केजी से जो है वो 1-2-3 में चला जाएगा, लेकिन प्रोग्राम इधर चलता रहेगा या एडमिशन का डेट बीत जाएगा। तो कहा इसीलिए अगर आपने कोई चीज एक्वायर किया है, अभी आप PRI है, बट वेन यू एक्वायर्ड इट योर स्टेटस वॉज PROI, या आपको विरासत में मिला है किससे, PROI से। तो वैसे केस में अगर कोई PRI आउटसाइड इंडिया उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है तो इट शैल नॉट बी कंसीडर एज व्हाट कैपिटल, पर्पस बस इतना ही ताकि उसको इनकन्वीनियंस। सेम उसी तरह से अगर कोई जो है वो बंदा है जिसका अभी का स्टेटस PROI है, क्योंकि वो इंफोसिस में काम करता है, 5 साल से जो है वो US में काम कर रहा है, लेकिन जब इसने प्रॉपर्टी एक्वायर किया था तो उसका स्टेटस क्या था, या उसको मिला किस चीज में है, ये विरासत में मिला है किसी PRI से, किससे, उसके दादाजी या बाकी से। तो कहा कि ये हमारा जो है वो क्या नहीं कहलाएगा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं कहलाएगा। और अगर ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं है तो किस कैटेगरी में आएगा, इसका मतलब इस पे कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के भी प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब RBI को जो है वो कहा गया कि आप कंसल्ट कीजिए किससे, CG से, और इन कंसल्टेशन ऑफ CG आप क्या बनाइए, रेगुलेशन। और ये जो है वो रेगुलेशन बना करके क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे किस चीज को, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन को। तो जब इनको कहा गया तो इन्होंने जो है एक शानदार सा रेगुलेशन चिपका दिया, ऐसे ही करके रेगुलेशन बनते चले गए। और वो बना फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट परमिसेबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन रेगुलेशन, और इसमें इन्होंने 3 लिस्ट दिए। पहला लिस्ट, प्रोहिबिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन फॉर, ये वाला ट्रांजेक्शन कौन नहीं करेगा, सिंपल सा बात है, यानी उस काम के लिए जो है वो PROI उस जो है वो फॉरेक्स का इस्तेमाल, ठीक है। और जो लिस्ट यहां दिया हुआ है वो किसके लिए है, लिस्ट ऑफ परमिसेबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन फॉर होम, और जितने भी इस लिस्ट में दिए हुए उन सबके लिए अलग अलग रेगुलेशन है, तभी फेमा का रेगुलेशन ही बड़ा होता गया है। और जो यहां लिस्ट दिया हुआ है Schedule 2 में वो किसके लिए, इसका मतलब 3 लिस्ट। आपको नहीं लगता है थोड़ा सा यहां फ्लॉ है, मुझे तो एक फ्लॉ दिख रहा है, एक कह रहे हैं कि लिस्ट ऑफ परमिसेबल PROI, अरे भाई जब ये परमिसेबल बोल दिया तो फिर ये प्रोहिबिटेड क्यों बोल रहे हो, और अगर प्रोहिबिटेड बोल दिया तो ये फिर परमिसेबल क्यों बोल रहे हो, बस दो ही लिस्ट दो, एक इसके लिए परमिसेबल और एक या इसके लिए प्रोहिबिटेड है, तो ये परमिसेबल देने की जरूरत, जो प्रोहिबिटेड है इसका मतलब वो नहीं करना है, और जो परमिसेबल इसका मतलब सिर्फ वही करना है। तो ध्यान रखिए, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के बारे में कहा गया कि जो दिया हुआ है सिर्फ वही करना है, क्या है, जो दिया हुआ है सिर्फ वही ट्रांजेक्शन करना है, और वो भी कैसे करना है, तो वो उसके कंसर्निंग रेगुलेशन के अकॉर्डिंग करना है। अब इसमें जो आपको लिस्ट दिखेगा कोई नया लिस्ट नहीं होगा, ये वही लिस्ट होगा जब भी हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन देख के आए हैं, या तो उस लिस्ट में होगा या किसके तहत आएगा, ये मींस के तहत आएगा। लेकिन ये जो लिस्ट दिया हुआ है प्रोहिबिटेड का, बोला गया ये इसीलिए दिया गया कि देखिएगा कि डॉक्टर के पास आप जाते हैं, अगर कोई डायबिटिक है तो डॉक्टर कहते हैं देखिए आप ये खाइएगा, पूरा डाइट प्लान दे देते हैं, नहीं बना करके देते हैं। जब डाइट प्लान दे दिया तो लास्ट में क्या बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, चीनी एकदम मत खाइएगा, मिठाई एकदम नहीं खाइएगा, ये क्या था। जब पूरा ढढ़ पकड़ा दिया जिसमें लिखा ही हुआ है क्या क्या खाना है,
तो जाते वक्त जो है वो ये क्यों बोल दिया? इसीलिए इम्फेसाइज करना था. क्या करना था? इम्फेसाइज. क्लैरिटी आ गई उसी बात से जहां वो लिस्ट दिया, इसी लिस्ट से आ जाएगी क्लैरिटी कि ये करना है किसको. पीआरवाई को सिर्फ यही वाले काम के लिए क्या इस्तेमाल करना है? फॉरेक्स. और अगर पीआरआई है तो इसी के लिए. लेकिन यहां पे हमने क्या कर दिया? स्पेशल फोकस कर दिया. और वो स्पेशल फोकस करने की वजह, क्योंकि वहां पे हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से कोई जो है वो गड़बड़ घोटाला हो. तो अब आपको ये क्या करना है? तीन लिस्ट देखना है. ये लिस्ट नया नहीं होगा. यहां जो देखेंगे वो कहां से मिलेगा हमें? या तो वो जो हमने लिस्ट देखा था इंक्लूड का, उसमें ये दोनों मिलेगा, या किसमें मिलेगा? मीन्स में. लेकिन प्रोहिबिटेड वाला देखिए कि क्या कह रहे हैं. इन द बिजनेस ऑफ विच, कुछ याद है? सेटिंग अप में बाकियों को तो पढ़ा चुका हूं. चिटफंड वाला बिजनेस, कि चिटफंड के बिजनेस का मतलब होता है जो छोटे छोटे अमाउंट आप क्या करते हैं, जैसे सहारा चिटफंड, बहुत सारा. और बहुत सारे हमारा शारदा चिटफंड में बहुत बड़ा घोटाला वेस्ट बंगाल का जो था, बहुत इशू भी हुआ. बहुत छोटे अमाउंट आप उसमें क्या करते हैं? डिपॉजिट करते हैं. ये कहते हैं इसमें कौन नहीं आए? एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन. याद रखिएगा, जब आप इसको कनेक्ट करेंगे, जब हम एफडीआई पढ़ेंगे, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी होगा, तो वहां ये रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए या नहीं? अरे भाई, इंडिया से बाहर से जो पैसा लगा रहे हैं वो पीआरवाई ही तो है. तो फेमा के अकॉर्डिंग भी और एफडीआई सबके अकॉर्डिंग ही तो आपका चीज चलेगा. तो यहां कह रहे हैं कि चिटफंड के बिजनेस में नहीं. मतलब अगर हम लूटे पीटे जाए तो किन से? अपने लोगों से. लूटने वाले कम है, चिटफंड में पहले इतने घोटाला हुआ है, कम से कम पकड़ना आसान रहेगा और थोड़ा तो सथली रहेगी. अपने ही लोग लूट के गए, बाहर वाले आकर के चिटफंड का घोटाला करके जाए तो हमें अच्छा नहीं लगा, दिल पे थोड़ा बुरा सा लगा. कहा लूटेंगे तो अपने ही लोगों से. एज निधि कंपनी, कुछ याद है निधि कंपनी? जो सिर्फ मेंबर्स के बीच में, नए वाले बच्चे भी उनका भी ये चैप्टर हो गया है. तो जो अपने ही जो है वो मेंबर के बीच में क्या करते हैं? पैसे का लेन देन करते हैं. कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए? 200 मिनिमम, मिनिमम 200 है. और आपका जो है वो नेट ओन्ड फंड कितना? 20 लाख. पेड अप कैपिटल 10 लाख. ये सब कंडीशन था. तो चिटफंड के भी निधि बिजनेस में भी आप लोग नहीं आ सकते. कौन? पीआरओआई, एग्रीकल्चर प्लांटेशन एक्टिविटी, इसमें नहीं आ सकते हैं. भारत एक कृषि प्रधान देश है, कहा हम अपने ही करेंगे. यहां वाले आकर के जो है वो खेती ना करें, प्लांटेशन में भी नहीं. लेकिन आपको पता है हम कितने दुष्ट हैं? यहां पे एक एक्सेप्शन है, आपके कोर्स में उतना नहीं है. टी प्लांटेशन में हमने उनको अलाउ कर दिया. किसमें? और क्या किया? बोला कि पहले 3 साल तक आप जो है वो 100% स्टेक रख सकते हैं. कितना? और 3 साल के बाद आपको अपना 51% स्टेक डाइल्यूट करना होगा. किनके बीच में? पीआरआई के बीच में. कितना परसेंट? जरा जानेंगे ये दुष्टता क्या है जो मैंने आपको बोला फेमा, ये शानदार दुष्टता किया है, चुन चुन के बदला लिया है. कह रहे कि बाकी जगह नहीं, ना एग्रीकल्चर में, ना प्लांटेशन में, किसी में नहीं, लेकिन टी प्लांटेशन में. क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि सीधी नुमा खेती जो है वो होती है टी की. स्टेप जो है वो करते, स्टेप बना करके, ठीक है. क्यों? क्योंकि वहां पानी लगना नहीं चाहिए. तो यहां पे जो है वो लगाए गए ऐसे कर करके पौधे पत्ते. और आपको पता होगा, अगर देखे हो तो चाय बगान वगैरह का जो सीन दिखला था, एक मूवी में भी दिखलाया है. कौन सा मूवी था? बड़ा उचक्का जैसा एक्टर एक्ट्रेस था, तो ध्यान नहीं आ रहा है. लेकिन वो भूत 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 करके शायद कुछ था. नहीं, भूत ट्रैफिक या भूत कुछ ऐसे करके, कुछ भूत पुलिस. हाँ, उसमें जो था टी स्टेट. अब देखिए, कहते हैं जिसकी रे भावना जैसी ताकू मिले. मैं जितने भी देर देखा, मुझे वहां पे टी बगान जैसा चीज जो है वो दिखा. तो उसमें जो, अब इसका तो ये नहीं कि होमवर्क है, तो पहला काम ये देख लेना है. उसमें क्या है कि आपका वो छोटा नहीं, वो हाफ पेड़ जैसा होता है. और जब वो बड़ा होगा तभी ना उसके पत्ते तोड़ेंगे, या अभी छोटा हुआ ऊपर का ही तोड़ लिया तो पौधा मर गया. जब बड़ा हो जाता है तब उसके जो है वो पत्ते क्या करते हैं? तोड़ते हैं. यही तो है, लीफ से ही तो चाय बनता है. ये तैयार होने में तकरीबन लग जाता है 2.5-3 साल का समय, पौधे उस लेवल तक पहुंचने में. हमने बोला कि मस्त आओ उगाओ. और जब
बारी आ जाए उससे क्या करने की, अब ना बिकेगा वो, तो अपना कितना परसेंटेज तक डाइल्यूट करो। और बोला कि हम प्लांटेशन में भी आपको मौका दे रहे हैं, और प्लांटेशन में इस तरह से दे रहे हैं, देखते हैं हम कैसे लॉ बनाते हैं। और कहीं पे भी ये वर्ड को जो है हम इंफेसाइज नहीं करते हैं, जहां बोलना रहेगा, मान लीजिए मोदी जी को ही, अब हमने प्लांटेशन में भी, भाइयों और बहनों, हमने प्लांटेशन में भी जो है आपको इन्वेस्ट करने का मौका दिया है, आइए प्लांटेशन में भी अब पैसे लगाइए। लेकिन अगर वहां पे कोई बैठा रहा हो, बोले मोदी जी पूरा प्रोविजन तो बताइए, तब जो वो वहां से जो शुरू करेंगे लुटाना। तीन साल के बाद जब बारी आएगी क्या करने की, कमाने की, तो कितना स्टेक डाइल्यूट कीजिए, एग्जाम में आप उसको इग्नोर कीजिएगा, वो आपके लिए नहीं है। इन रियल एस्टेट बिजनेस कंस्ट्रक्शन ऑफ का फार्म हाउस इसीलिए नहीं, क्योंकि किसानों के लिए जब आपको ना हम खेती करने दे रहे ना प्लांटेशन, तो फार्म हाउस आप क्या बनाइएगा। लेकिन आप कहेगा सर आज का वाला फार्म हाउस, तो वो फार्म हाउस का डेफिनेशन ही नहीं है। फार्म हाउस का मतलब है फार्मर के घर को क्या बोलते हैं, ताकि वो वहां रह करके खेती के सारे चीजों को क्या कर सके, निगरानी कर सके। लेकिन देखिए यहां भी हमने क्या दुष्टता की है, रियल एस्टेट में भी नहीं, इंडिया में PROI इंडिया में जो है जमीन नहीं खरीद सकता जा। लेकिन देखिए फिर हमने क्या कहा, जमीन नहीं खरीद सकते हैं, आओ टाउन डेवलप करो, कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट, रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रीमाइसेस, रोड बनाओ, ब्रिज बनाओ, सुरंग बनाओ, जो करना है, लेकिन जमीन नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब वो आएंगे टाउनशिप डेवलप करेंगे, बनाया दूसरे को दिया, प्रॉफिट कमाया, लेकिन जमीन उनके नाम से वो गवर्नमेंट के नाम से रहेगा। देखिए कितना अच्छा काम किया, हमारा टाउनशिप भी डेवलप, लोगों को मकान भी मिल गया, और जमीन पे कब्जा किसका, लोगों के पास भी नहीं, गवर्नमेंट के ही कंट्रोल में रह गया। गवर्नमेंट फिर 99 इयर्स के बाद जो है वो किसी दूसरे को देगी कि अब तुम यहां पे डेवलप करो। तो नहीं बोला मैं, बिल्कुल आपको भाएगा, जितना आप साथी रहे वैसे ही फेमा में बना है। अगला देखिए, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट। अब देखिए ये क्या होता है, ये आपको इसका डेफिनेशन आपको दिख जाएगा आपके इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वाले में, लेकिन ये क्या है ये जरा समझिए। आप देखते होंगे कि गवर्नमेंट जब एक्विजिशन करती है जमीन वगैरह का किस चीज का, तो रेट जो देती है वो रेट सरकारी रेट रहता है, लेकिन गवर्नमेंट को भी पता है कि हम इसी रेट पे दे सकते हैं, मार्केट रेट हम नहीं दे सकते हैं। गवर्नमेंट जब ऐसा कोई भी जो है वो प्रोजेक्ट लेके आती है जो सारे लोगों के लिए था, जैसे अगर उन्होंने सोचा कि किसी जगह पे जो है वो, मान लीजिए कि वो चाहते हैं कि हम यहां पे जो है वो एक कम्युनिटी हॉल बनाएंगे, तो उन्होंने एक्वायर किया जमीन, कंपलसरी एक्वायर करना पड़ेगा, किसी न किसी का जमीन तो आएगा, क्योंकि बड़ा एरिया रहेगा तभी तो पार्क बनेगा, कम्युनिटी सेंटर बनेगा, तो उन्होंने एक्वायर किया। मान लीजिए उन्होंने जो अमाउंट दिया, एज्यूम करते हैं 5 लाख की चीज थी और सिर्फ उनको 3 लाख दिया, क्योंकि 5 लाख मार्केट रेट था, गवर्नमेंट रेट के अकॉर्डिंग क्या था, 3 था। गवर्नमेंट एक और मौका देती और उनको कहती है, ध्यान से सुनिएगा, कि हमें जो चीज बनाना है वो हम तो बनाएंगे नहीं, किसी न किसी को कॉन्ट्रैक्ट ही देंगे, ठेका ही देंगे। तो उन्होंने ब्लूप्रिंट दे दिया और बताया कि ये एरिया है, इसमें जो है वो इस जगह जो है वो गेट वगैरह बनेगा, इस एरिया में जो है वो इतने जो है वो मकान बनेंगे, जो 1 स्टोरी 2 स्टोरी जो रहेगा वो बनाइए, यहाँ पे जो है वो फाउंडेशन वगैरह बनेगा, इस एरिया में पार्किंग रहेगा, सब कुछ आपको बता दिया और कहा कि आप चाहे तो इसे बना सकते हैं। अब इसको बनाने से क्या होगा कि इसमें जो है वो प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 2 लाख का है, बाकी तो सामान लगेंगे, और प्रॉफिट मार्जिन कितने का, मान लीजिए 2 लाख का, तो ये तो आपको बचेगा नहीं बचेगा अगर आपको, क्योंकि गवर्नमेंट का टेंडर भी तो सबको नहीं मिलता है, लेकिन पहला मौका आपको वो दे रहे हैं क्योंकि आपका जमीन एक्वायर किया है। अब आप ठहरे कंपनी सेक्रेटरी, आपको जो है वो बनाना तो आता है, लेकिन वो बनाना आपको आता है उल्लू, मकान बनाना भी आपने सीखा नहीं है, और पूरे CS के दौरान आपने मकान बनाने का कोर्स भी नहीं पढ़ा है। तो या तो आप किसी को उल्लू बना सकते हैं, और या अगर कोई सर्विस दे सकते हैं तो वो किससे रिलेटेड,
लीगल से रिलेटेड। अब मुझे बोला जाए कि मकान बनाइए, तो मकान बनाने का ठेका वाला काम मैं करने में कंफर्टेबल नहीं हूं। सुनते जाइए, अगर करता तो 2 लाख और मिल जाते हैं। ये जो मेरा गिला सिकवा था कि मकान पे कम कंपनसेशन मिला, कहीं ना कहीं तो कंपनसेट हो जाता, और गवर्नमेंट चाहती भी है करना, लेकिन गवर्नमेंट के भी हाथ बंधे हुए कि वो उससे ज्यादा अमाउंट नहीं दे सकती है, गवर्नमेंट रेट से जाएगा। तब उन्होंने आपको एक राइट दिया, एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट। डेवलपमेंट राइट जो है वो क्या है? डेवलपमेंट राइट ही तो आपको दिया, बट दिस डेवलपमेंट राइट इज वॉट? ट्रांसफरेबल। अगर मान लीजिए कि यही जो है वो सोनल मानसिंह का जमीन था, इनको नहीं आता है बनाने मकान या जो भी चीज है कंस्ट्रक्शन करना, अब ऐसे केस में क्या होगा? अब ऐसे केस में जो है वो इनको जो है वो कहा गया कि आप जो है वो बनाइए इसे। ये कहते हैं कि अपने तो नहीं बना सकते, तो उन्होंने कहा ये ट्रांसफरेबल है, आप चाहे तो किसी को क्या कर सकते हैं। अब इन्होंने जो है वो रोहित को बोला, वो चेहरे ठेकेदार, वो बोले कि मेरा काम ही जो है वो क्या है, बिल्डिंग बनाना है, ये सब बनाना है। तो इन्होंने कहा कि देखो भाई, लेकिन ये ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट ऐसे नहीं देंगे, 1 लाख रुपए मुझे दो। तो कहा फिर मेरा क्या बचेगा? बोला 2 लाख है, आप मटेरियल लगाओ और गवर्नमेंट आपको मटेरियल के साथ जो पैसा देगी उसमें आपका 1 लाख बचेगा, और 1 लाख क्या करो, मुझे दे दो। तो सोनल मानसिंह को ये 3 लाख तो मिले ही थे, साथ में और क्या मिल गया? 1 लाख और मिल गया। और ये अगर मिल गया तो इनको कुछ ना कुछ कंपनसेशन ज्यादा हुआ या नहीं हुआ? नाउ दिस इज कॉल्ड ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट कहलाता है। अब सुनिए यहां क्या सेंस हुआ। इसका मतलब सोनल मानसिंह जब ये ट्रांसफर करेंगे तो रोहित जो है वो क्या नहीं होने चाहिए? PROI नहीं होने चाहिए। क्लियर है ये बात? अगर किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो क्या होगा? PROI होगा। ये है प्रोहिबिटेड। इसके अलावा एक लिस्ट जो दिया वो किस चीज का दिया? परमिसेबल व्हाट? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। किसके लिए? कुछ नहीं, जो आपने पढ़ा है, इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन सिक्योरिटी। अब देखिए, इन सबके लिए रेगुलेशन है, इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन सिक्योरिटीज कब कब परमिशन लेकर के, कब डायरेक्ट कर सकते, कब ऑटोमेटिक रूट से। अब ये जितने देख रहे हैं सब एक एक रेगुलेशन, लेकिन उतने आपको नहीं पढ़ने हैं। फॉरेन करेंसी लोन क्या कर सकते हैं? रेज कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, तो है ही, तो भाई PROI कर ही सकता है। और यहां पे कह रहे गारंटी इशू कर सकते PROI के फेवर में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जितने चीज वहां है वही यहां रिपीट है। लोन ओवरड्राफ्ट PROI से किसको? PROI या PROI से PROI को, फ्रॉम और टू दोनों लिखा हुआ है, ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं, कर्ज ले भी सकते हैं PROI से और दे भी सकते हैं। मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट, ये बताऊंगा आपको, फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया ऑफ कैपिटल्स, रेमिटेंस का मतलब होता है जब आप पैसे को लेकर के जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? रेमिटेंस। इंडिया में आपका कोई प्रॉपर्टी है, उससे पैसा आया, उस पैसे को फॉरेक्स में करके ले जाना चाहे, कहा परमिसेबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है। रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया ऑफ कैपिटल एसेट ऑफ PROI, इंडिया से बाहर है लाना चाहते हैं कर सकते हैं। सेल परचेज किस चीज का? डेरिवेटिव, कुछ याद आ रहा है? लेकिन किस पे बेस्ड होना चाहिए? अब्रॉड एंड कमोडिटी डेरिवेटिव, अगर अब्रॉड है तो कर सकते हैं। आपको याद होगा डेरिवेटिव के लिए आपको बताया था अंडरलाइंग एसेट कुछ होगा, तो यहां पे अंडरलाइंग एसेट क्या है? कमोडिटी है। ऐसे ही अगर कोई PROI है तो बोला ये भी क्या कर सकते हैं, किस मार्केट में पैसे लगा सकते हैं? यही इंडियन सिक्योरिटीज में जब वो पैसा लगाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, इंडिया के बाहर वाले हैं, यही FDI में हो जाएगा कि कब जो है वो पूछ करके करेंगे और कब जो है वो पूछने की जरूरत है ना, उसके लिए पूरा FDI रेगुलेशन ही पढ़ाऊंगा। तभी तो बोला कि इसमें मेन चीज यही है, उसके बाद सिर्फ क्या आना शुरू हो जाता है? रेगुलेशन। इन्वेस्टमेंट इन फर्म प्रोप्राइटरशिप एसोसिएशन ऑफ पर्सन इन इंडिया बाई PROI, ट्रांसफर करना इमूवेबल प्रॉपर्टी, गारंटी देना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, डिपॉजिट बिटवीन PROI, फिर ये कौन सा आया? फॉरेन करेंसी अकाउंट जो बताऊंगा, रेमिटेंस आउटसाइड ऑफ कैपिटल एसेट ऑफ इंडिया ऑफ PROI। तो ये है आपके कौन सा ट्रांजेक्शन। अगर कोई ट्रांजेक्शन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन कहलाएगा। अब हमें देखना है
कि करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन को लेकर के इन्होंने क्या प्रोविजन दिए, क्योंकि ये तो पता है कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन हमने देख लिया, लेकिन अगर वो कैपिटल अकाउंट नहीं है तो क्या है? आपने देखा ना, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन को भी रेगुलेट करने के लिए इन्होंने बनाया ना रेगुलेशन, ऐसे ही करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए कौन कौन सा करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है जो PRI को नहीं करना है और कौन कौन सा जो है वो करने के लिए ये क्या है अलाउड है। यहां पे कहानी उल्टा चलता है, वहां पे जो चीज बताया है बस वही करना है, जो लिस्ट में दिया है वही करना है, लेकिन करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में जो है वो आप जो है वो सिर्फ उन्हीं चीजों को उस तरीके से कीजिए जो हम बता रहे हैं, और जो लिस्ट में नहीं है इसका मतलब इन जनरल वो फ्री है, और फ्री का मतलब मुफ्त में नहीं, फ्री का मतलब उसके लिए परमिशन की जरूरत नहीं है। तो अब कौन कौन सा करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन प्रोहिबिटेड है और किसके लिए क्या गाइडलाइन दिया है, कुछ केसेस में आपको पूछना पड़ेगा RBI से और कुछ केसेस में किससे पूछना पड़ेगा, अब मैं खत्म यहां नहीं करूंगा क्योंकि कुछ लोगों ने बोला था कि अब यहीं पे खत्म होगा, तो ये सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो हम एक दिन में तीन तीन खत्म होता है, और कुछ ऐसी भी चीज है जहां पे 20 पेज पहुंचने में भी 3 घंटे लग जाते हैं। तो आपका काम घंटा मिनट को देखना नहीं, आपका काम सिर्फ क्या करना है, कॉन्सेप्ट जो है वो समझते जाना। चलिए, तो फिलहाल आज की इकोनॉमिक लॉ की सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।